अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऐं सुबह बख़ैर नाज़रीन। पंहिंजी मॉर्निंग में तव्हां सभिनी खे वेलकम कयूं था। उमेद आहे तव्हां सभु ठीकु हूंदा, ख़ैरियत सां होंगा। मां आहियां उनसा शाह ऐं मूंसां गॾु आहिनि सजाद सुहाग। चवंदा आहिनि मूंखे घर में सजाद सजाद सॾींदा आहिनि, ॿाहिरि कॾहिं कॾहिं ईअं सॾींदा आहिनि। तव्हांजो हिकिड़ो फुल नालो बि कल्ह तव्हां मूंखे ॿुधायो। जी उहो मां जेकॾहिं ॿुधायमि त मुंहिंजे ख़्याल में अधु प्रोग्राम त असांजो हिते ई गुज़री वेंदो। ऐं इन जे पोयां हिकिड़ी हिस्ट्री बि आहे। मां कॾहिं तव्हांजे नाले जे पोयां हिस्ट्री आहे, नाले खां अॻु में जी हिकिड़ी हिस्ट्री आहे। अच्छा, जेका उहा कॾहिं इनशाला उहा बि तव्हां सां शेयर कंदासीं। तव्हां अगरि ज़िक्र छेड़ियो आहे उनखे बि असां छेड़ींदासीं। ऐं सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ऐं ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। ऐं असांजी त इहा हमेशह दुआ रही आहे त असां ख़ासि तौर ते जुमे ते इहा दुआ कंदा आहियूं त इनशाला जिथे जिथे इबादतुनि जा सिलसिला मुख़्तलिफ़ थियनि था बनिस्बत आम ॾींहनि जे, असां हूअं त छंछर खां तकरीबन ख़मीस ताईं हिकिड़ो ॿियो असांजो कार वहिंवार आहे, पर जुमे ते हिकु त मैसेजिस बि ॾाढा ईंदा आहिनि, जुमो मुबारक, जुमो मुबारक। ऐं जुमे ते ज़ाहिर आहे असांजे रध पचाव जे किचन में बि ख़ासि तौर ते तब्दीली थींदी आहे हिकु ॾींहं जे लाइ। ऐं उन सां गॾोगॾु असां वटि ख़ासि अहतमाम थींदा आहिनि पंहिंजी इबादतुनि जा ऐं ज़िक्र अफ़कार जा। बहरहाल असांजी इहा दुआ आहे, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, हैप्पी हैप्पी हुजो। ऐं अॼु प्रोग्राम जे आगाज़ में असां महिमाननि सां मुलाक़ात कंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते उहे स्टूडेंट्स ॾिसनि असांखे, उन जा पेरेंट्स ॾिसनि जेके कंसर्न हूंदा आहिनि पंहिंजे ॿारनि जे फ्यूचर जे लाइ, त उन्हनि खे आख़िर करणु छा खपे। इंजीनियरिंग करणु खपे, मेडिकल में वञणु खपे, कंप्यूटर साइंस जी हिकिड़ी पूरी दुनिया आहे, बिज़नेस जी हिकिड़ी पंहिंजी हिकिड़ी पूरी दुनिया आहे, ॿिया घणा नवां आइडियाज़ आहिनि। आर्ट एंड जेके कल्चर ते अॼुकल्ह घणियूं स्टडीज़ थियनि पियूं, ऐं तमामु सुठियूं स्टडीज़ थियनि पियूं, क्लासिक कल्चर ते स्टडीज़ थियनि पियूं, क्लासिक स्टडीज़ थियनि पियूं दुनिया में। उते कनि पिया त जेके असांजा जेका हिस्ट्री आहे उन ते पहिरीं सिर्फ़ु डॉक्टर या इंजीनियर ई घणो करे ठहंदा, पर हाणे एतिरा ज़्यादा फील्ड्स अची विया आहिनि, एतिरियूं वधीक फील्ड्स अची वियूं आहिनि, जंहिंमें साइंस ऐं टेक्नोलॉजीस में बि काफ़ी फील्ड्स आहिनि, आई टी जूं फील्ड्स आहिनि ऐं मुख़्तलिफ़ जेके फील्ड्स बि आहिनि। हा, त उन लाइ अॼु असां वटि हमदर यूनिवर्सिटी में कीअं ॿार दाख़िला वठनि, छा पढ़ंदा आहिनि उते, छा कंदा आहिनि, छा कामयाबियूं मिली चुकियूं आहिनि 1991 खां अॼु ॾींहं ताईं, 30 साल थी विया आहिनि। 30 सालनि में केतिरो ब्रेन ड्रेन हितां हलियो वियो आहे, केतिरनि माण्हुनि ते असां कमु करे सघूं था। उन लाइ असां वटि हमदर्द यूनिवर्सिटी जा रजिस्ट्रार मौजूदु आहिनि, असां कचहरी कंदासीं, पुछंदासीं छा अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि नवनि स्टूडेंट्स जे लाइ जेके अचणु चाहिनि था। साईं परवेज़ अहमद मेमर साहिबु सां गॾु साईं भलीकार चऊं था, तव्हांखे ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परवेज़ साहिबु, छा पिया ऑफर कयो स्टूडेंट्स खे त फ्यूचर हुनजो कहिड़े कहिड़े पासे आहे? अॼुकल्ह जो दौरु आहे, हाणे तव्हांखे ख़बर आहे जॾहिं खां कोविड आयो आहे, हेल्थ साइंसिस ॾे माण्हुनि जो रुझान वधी वियो आहे, त जीअं फार्मेसी थी वई, मेडिकल एजुकेशन थी वई, ऐं असांजी पंहिंजी जेका ईस्टर्न मेडिसन हुई। हिन पेंडेमिक में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि ज़हन में आई त भई जेके असांजो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लिविंग हो या ट्रेडिशनल असांजी जेके दवाऊं हुयूं उहे वॾी अफेक्टिव रहियूं ऐं माण्हुनि खे वॾो हुननि मदद कई हिन सिलसिले में, त इहे शयूं रिवाइव थियूं आहिनि। इन सिलसिले में असां जेके आहिनि हेल्थ में नवां कोर्सिस बि शुरू किया आहिनि, फूड साइंस टेक्नोलॉजी जो मर्जर आहे, फूड बि आहे हुन में, टेक्नोलॉजी बि पढ़ायूं था असांजी इंजीनियरिंग फैकल्टी में। ईअं ई असांजी ईस्टर्न मेडिसन फैकल्टी में न्यूट्रिशन ऐं डाइटिक्स जो नओं कोर्स कयो आहे, छो त माण्हुनि की उहो नॉलेज अचे थी, उन में इलाही तमामु घणो माण्हुनि जो रुझान आहे ऐं उन पासे इलाही स्टूडेंट्स अची रहिया आहिनि। अच्छा, हीअ पेंडेमिक में स्टार्ट हितां था वठूं, जीअं तव्हां ज़िक्र कयो, असां अॻु में बि असां वटि सरूर साहबु हुया वाइस चांसलर एन डी यूनिवर्सिटी। मूं हुन खां हिकिड़ो सुवालु पुछियो त पंहिंजी दुनिया तहक़ीक़ुनि ते लॻी वई, तस्दीक करणु लॻी ऐं रिसर्च तमामु घणी थी, असां टोटका पिया ॻोल्हिया त हिन जो हलु छा आहे आख़िर कोरोना जो, दुनिया रिसर्च असांजी यूनिवर्सिटी कुझु कयो हिन ते, तव्हां जी ॻाल्हि कई हिन खे त इन ते असां वटि जेके होम रेमेडीज़ ते कमु कयो वियो त बाबा हे काढ़ा पियो, ही गरम पियो, हे थूम खाओ, ही अदरक खाओ ऐं दालचीनी अगरि विझंदो पाणी में त तव्हांजी सही थींदी, बिल्कुलु तव्हां छा रिसर्च कई हमदर्द यूनिवर्सिटी? अच्छा, हमदर्द यूनिवर्सिटी तव्हां ख़बर आहे त असांजो हिकिड़ो पंहिंजो हमदर्द लेबॉरटरीज़ जेके असांजी जेके मेडिसन ईस्टर्न मेडिसन दवाऊं थियूं पूरी रिसर्च खां पोइ ई आहिनि, छो त ईस्टर्न मेडिसन दवाऊं आहिनि हज़ारे सालनि खां उन्हनि जा जेके इनग्रीडियंट्स आहिनि उन्हनि जो ट्रायल्स थिए उहे थियल आहिनि, त उन में असांजी ॿ टे प्रोडक्ट्स अहिड़ियूं हूंदी वाक़ई अफेक्टिव थियूं। छो मूंखे पाण कोविड जो पेशंट थियोसि मां, त उन्हनि में असांजी जेका खंघ ऐं हुन जेके साह जी तकलीफ़ जे लाइ हुननि जी सुधूरी दवा हुई उहा वॾी अफेक्टिव रही। हाणे इहे स्टडीज़ सारी ॻाल्हि पब्लिश थियनि थियूं, छो त ड्यूरिंग द पेंडेमिक अहिड़ा क्लिनिकल ट्रायल्स थी उन जो डेटा शेयर करणु उहो हली रहियो आहे, पर काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हुयूं कई इम्यून सिस्टम खे बहितर करण जी हुयूं त उन जा रिज़ल्ट हुआ बिल्कुलु।
अच्छा परवेश भा, ही तो चलो असांजी मेडिकल साइड थी वही मतलब हकीम सईद अहमद साहब जो तो वो नालो रो हिकमत के हवाले से हवाले से वरी इंजीनियरिंग वाले पास डाँडो वो वक्त मतलब शागिर्दन के रिजल्ट है इंजीनियरिंग में असा ढो सुठो परफॉर्म किया मेनली हिंसर असा मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल उनसा गडो गड असा टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया उनमें जो बार जो इंडस्ट्री में जॉब्स था कन उनको अपॉर्चुनिटी दई दी वे तो जो अपग्रेडेशन कर अचन अलहमदुल्ला असा पोए साल शुरू किया हिंसर असा 300 का शागिर्द असा उनमें आड़े चुका जिनकी ज़ाहरी गल कें वजह से पाँच तालीम मुकम्मल न कर सकिया इंडस्ट्री में कम कर रहा है तो उनके असा अपॉर्चुनिटी दी है छो तो अग्नों दौर इंदो टेक्नोलॉजी से दौर इंदो मूँ उ भी करन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हुजन उन गुड़ पाँच तालीम भी मुकम्मल कर सकें तो केतरे डिपार्टमेंट्स हैं ताजी यूनिवर्सिटी में असा वट सत फैकल्टी जैमें मेडिकल फैकल्टी ऑफ हेल्थ एंड मैनेजमेंट साइंसिस फैकल्टी ऑफ फार्मेसी वे सोशल साइंसिस एजुकेशन जो कोर्सिस फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसिस जैमें बी बी ए एम बी ए नवा प्रोग्राम्स इनमें भी लॉन्च करण वाला उन गड़ो गड़ असि इंजीनियरिंग की फैकल्टी है जिनों तस्करो किया इंजीनियरिंग में भी असट कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग उन गुड़ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम शुरू किया जी साई गाल कई कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब कोर्सेस इतने कर रहा हूँ असो इस्लामाबाद में भी कैंपस है उतने भी असा कोर्सेस कर रहे इस्लामाबाद में कराची में तहां जो कैंपस है जी जी कराची में एकड़ो मेन कैंपस जो मदीतुल हिकमा है पांजो सुरजानी टाउन का अगते नॉर्दन बाईपास ते आए बे असो जो सिटी कैंपस है शारा फैसल ते मेन शारा फैसल ते नर्सिस पीसीएचएस ब्लॉक 2 में बिल्कुल है। अच्छा स्टूडेंट्स उनके मुख्तलिफ ख्वाब थन सब शुभ असा वो स्टूडेंट अचे तो वो अचे तो जॉब के लिए आकर हि डिग्री वी मुझे जॉब करनी है लाए बिजनेस के हवाले से बहुत जी अस जिक्र कर मेडिकल में इनमें तो मूँ सर्विसिस दिए तो पर बिन फील्ड में केतरी कामयाबी मिले थी तुम इशारो इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप इंजीनियरिंग में भी काफ़ी कोर्सिस इनमें इंक्लूड किया वह बी बी ए में भी प्रोग्राम इंटरप्रेन्योरशिप कुछ असा अड़ा ग्रेजुएट्स हैं जो फार्मेसी में ग्रेजुएट थी उन्होंने कंपनीज कई काफ़ी सक्सेसफुल रहा है बिल्कुल इन तरफ भी असो तवज्जो है छो जॉब मार्केट एक लिमिटेड है या तो अपॉर्चुनिटीज ये होंद मूँ पाकिस्तान में तालीम वी बार मुल्क में जॉब कन पर खबर आ वही मिडिल ईस्ट जहाँ थोड़ा हालात वो कोविड सिचुएशन के काफ़ी असा जे स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी मोटी आया तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है काफ़ी मूल में सक्सेसफुल भी रहा सही। अच्छा एक सवाल तहजे शख्सियत के वी कर जी तुम माशाला बी इतना गए यूनिवर्सिटी तुम हलिया असो ब्रेन ड्रेन थी ये चेज पर तुम मोटी आया हो तो कड़ी दुखियाई है मोटी अच्छे इतने एडजस्ट कर में तुम उतने सेटल रहो का मजबूरी तो इतने आया या इतना का अड़ी गाल हुई जो तक उतने वी वही मां जारी गल दौर में एक एन ई डी में पढ़ी निकत उन शौक थी बाहर वही पढ़ज तो अपॉर्चुनिटी मुख्य मिली उतने मास्टर्स कर वस उन चंगो अरसों तो लाइफ से गुजार उतम काफ़ी सारो सीखो उन गड कम कर प्रोफेशनल एनवायरमेंट में काफ़ी सारे सीखो उ कोशिश होंगी जो उतने सीखी आया हूँ इतने की पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर बेहतरी आणज वैल्यू एड कई वे असो स्टूडेंट्स से जिते जॉब कर रो आया जी उत्ते जी एजुकेशन सिस्टम में इत्ते जी एजुकेशन सिस्टम में तो इलाही डिफरेंस तांगे फील थियो हां बिल्कुल इलाही फर्क आए स्कूलिंग में फर्क आए यूनिवर्सिटीज में भी फर्क आए पर ओए शय असन जी कोशिश होंदी आ तो उन सा गडो गड उत्ते उनन के आंदो वने इन सा अस इलाही सारी यूनिवर्सिटी सा एमओयूज भी किया जी असन जा अमेरिकन यूनिवर्सिटी सा भी तेला मलेशियन यूनिवर्सिटी सा थी एमओयूज तेला ने यूके जी यूनिवर्सिटी ऑफ अदर फील्ड सा असन जो आए तो अस जो के इत्ते ग्रेजुएट्स थन ता 3 साल पढ़ी चौथों साल उत्ते वही पढ़ने उन्होंने उत्ते डिग्री हासिल कर तमाम यूनिवर्सिटी ऑफ अन्नान यूनिवर्सिटी ऑफ चैनजी से अस टी जो 70 साल थे पाकिस्तान चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप से उत्ते अस हिमद यूनिवर्सिटी भी वन ऑफ द ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी हुई पार्टिसिपेशन थी उन एमओयू साइन किया तो उनमें साइंस ए टेक्नोलॉजी के हवाले से अस इलाही सारी रिसर्च गड कंदी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया स्कॉलरशिप जो असो टे हों नीड बेस होंगी है एक मेरिट बेस होंगी नीड बेस में यह होंगी तो उन सरकमस्टेंसिस ऐसी उनकी
जेके मेरिट बेस सां उनजी ग्रेड्स अचनि था कंटिन्यू कनि था उनजो जी पी ए अगरि मेंटेन रहनि था त उन तक़रीबन असां पोएं साल 7-8 करोड़ रुपया इन में स्कॉलरशिप्स में ॾिना आहिनि जी। उनजे अलावा अहमदद फाउंडेशन बि असां सां गॾु ई कमु कंदो आहे त जेके इंटर में अचनि था गोल्ड मेडल्स ॾियनि था या मेट्रिक में जंहिंजी सुठी मार्कूं आहिनि तक़रीबन 2-3 करोड़ जी स्कॉलरशिप्स उन्हनि बि पोएं साल ऐं हिन साल डिस्ट्रीब्यूट कयूं आहिनि। चलो साईं, ॾाढो सुठो। स्कॉलरशिप तॾहिं सुठी लॻंदी जॾहिं असांजो पेट भरियलु हूंदो ऐं पेट भरण जे लाइ असां वटि ॾाढो ज़बरदस्तु इंतिज़ामु आहे कुकिंग जो। ऐं आदि नसीम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अॼु स्पेशल डिश ठहे पई बिरयानी। जी, अॼु बिरयानी न, यखनी पुलाउ। अच्छा अच्छा, ऐं मुंहिंजी पसंदीदा डिश। ॿई भेणूं आहिनि, ॿई भेणूं आहिनि, ॿई भेणूं आहिनि। जी, ज़बरदस्त। यखनी पुलाउ में असां किलो चिकन आहे, किलो चांवर आहिनि, हिकु किलो चिकन, हिकु किलो चांवर, अधु किलो ॾही, सौंफ, सीरो, मसालो यखनी वारो, साबित मिर्च, ड्राई मिर्च आहिनि 3 तेज़ कमालपट, दालचीनी, ज़ीरो, लौंग, कारा मिर्च। इहे असां पहिरीं यखनी यखनी ठाहींदासीं, हिननि खे पाणी इलाही सारो रखी ऐं पोइ हुन में बॉइल कयो। हा, चिकननि में विझी, चिकन हॾी वारी आहे, हू न आहे, बोनलेस न आहे, हुन में विझी बॉइल कंदासीं 20-5 मिनट्स। वरी पोइ हुननि खे कढे साफ़ु करे हुन जेको पाणी हूंदो उन सां पोइ असां चांवरनि में एड कंदासीं। पहिरीं असां हुनजो मसालो ठाहींदासीं, बसर आयल विझी, पोइ बसर, बसरनि जो बसर गोल्डन ब्राउन कंदासीं, हुन खां बाद में टमाटर, टमाटर पोइ मसालो जेको ॿुधायो हिकु हिकु चमच हुन में विझी, बाद में असां हिन खे पोइ पाणी विझंदासीं, पाणी विझी दम दम ते चांवर विझी दम ते रखे सावा मिर्च वधीक विझिजो अॼु। हा, सावा मिर्च सिर्फ़ु उनसा जे लाइ ई ठाहिजो, स्पाइसी पसंदि आहे असांखे, स्पाइसी खां बग़ैर जेके स्पाइसी बि थी वेंदो। हा, उहो बि थींदा, हिन में टेस्टी थींदा इहा यखनी पुलाउ। ॿियो मसालो न हूंदो आहे न यखनी पुलाउ में, ॿिया मसाला जेके इहे मिर्च विर्च, ॻाढ़ा मिर्च त न, ॻाढ़ा मिर्च उहो विझंदासीं, कुटियल कुटियल विझंदा, कुटियल जेको कुटियल जो हिकिड़ो चमच विझंदासीं, ॿियो जेको मसालो आहे ज़ीरो, हिन में सौंफ, उहो असां बॉइल कंदासीं, जेको बॉइल करे असल हिन जो बॉइलिंग हूंदी आहे, स्टोक हूंदो आहे जेको हुनखे टेस्ट ॾींदो आहे। सही, त हिनखे असां जेतिरो हॾी वारी चिकन खे स्टोक कंदासीं ओतिरो सुठो आहे। चलो, असां तव्हां ते छॾे ॾिनो ऐं तव्हां ते पूरो असांखे भरोसो आहे, यकीन आहे त सुठो ई ठहंदो, ऐं भले धूं हुजे धूं न हुजे पर जेका डिश ठहंदी आहे उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे, उहा ॾाढी ज़बरदस्त आहे। अच्छा, अचूं था परवेज साहिबु वटि, ऐं परवेज साहिब खां इहो ज़रूरु पुछंदोसांव त दुनिया कमु कयो मीडिया साइंसिस ते, तव्हां मीडिया वारे पासे गुज़र थियो? हा, जी, असां मीडिया स्टडीज़ में बैचलर ऑफ स्टडीज़ BS मीडिया स्टडीज़ 4 साल जो प्रोग्राम असां शुरू कयो आहे पोएं साल, हाणे कोविड में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हुन हिसाब सां हुनखे एॾी प्रोमोशन उहो न थी सघी आहे, पर हाणे इनशाला कोशिशि आहे त हाणे एड बि आई आहे असांजी, त हिन तरफ़ असां बिल्कुलु आहे त हिन तरफ़ वठियो वञे। ऐं ओवरसीज़ मां जेके तव्हां वटि स्टूडेंट्स अचनि था या कोटा आहे या का उन सिस्टम आहे, उन केतिरो रेशो न था सचुरेशो कोन हूंदो आहे? मोस्टली जेके असां वटि ओवरसीज़ मां अचनि था उहे अचनि था मेडिकल साइड ते, मेडिकल एजुकेशन। कहिड़नि मुल्कनि मां ज़्यादातर? सऊदी अरब वग़ैरह ऐं गल्फ स्टेट्स मां अचनि था असां वटि, सऊदी में, सऊदी स्टूडेंट्स असां वटि आहिनि, हींअर बि आहिनि MBBS में। अच्छा, पर जी जी, न तव्हां पुछो, न मुंहिंजे सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे त असांजो जेको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हूंदो आहे त तव्हांजो जेको यूनिवर्सिटी सां MOUs हूंदो, यकीन कुझु साल हिते पढ़ंदा हूंदा, कुझु साल हुते या उतां जा स्टूडेंट, त हा उनजो प्रोग्राम आहे, पर मुंहिंजे ख़्याल सां कुझु HEC जा कुझु हुन ते आहिनि उन्हनि खे त उन रिकग्नाइज़ करण जे हवाले सां, त उन स्केल ते इम्प्लीमेंट न थी सघियो आहे, जंहिंमें असां ॿुधायूं त यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया जी, मलेशिया जी यूनिवर्सिटी आहे, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोनस आहे, या यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड सां कुझु पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ते विया आहिनि, असांजा स्टूडेंट्स इलाही सारा हुते आहिनि, असांजी फैकल्टी बि वियल आहे PhD करण, मास्टर्स प्रोग्राम करण जा, पर उतां उन लेवल ते स्टूडेंट्स एड्स अचनि था, हालांकि असां वटि तमामु ज़बरदस्त हॉस्टल जी फैसिलिटीज़ आहिनि, असांजा जेके कराची या कराची जे ॿाहिरि जा शागिर्द अचणु चाहिनि था उन लाइ तमामु घणी सहूलियतूं आहिनि उते, असांजो हकीम साहबु छो त हू चाहींदो हो त इहे जीअं तव्हां वारी ॻाल्हि रिसर्च यूनिवर्सिटी हुअणु खपे, रिसर्च जे हवाले सां उनजो ॾाढो फोकस हो, त असां वटि स्कॉलर हाउस आहे, जीअं ॿार स्कॉलर्स अचनि था, अची रहनि ऐं पंहिंजी रिसर्च कनि 24/7, असां वॾी वेल इक्विप्ड रिसर्च लैब्स असांजी ठहियल आहिनि। अच्छा जी,
ताजी जगह मेडिकल जी जगह डिग्री है वो इक्विवेलेंट होती है ने जे एमबीबीएस जे जी एमबीबीएस ब डिग्री है एक मेडिकल एमबीबीएस जे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जी आयो रेगुलर तो वो तसा जी है लेते प्लस उन सा अस डेंटिस्ट्री में बीडीएस भी है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी उन सा गर गर असा जी फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन जेका उन जी होम्योपैथिक जी के होम्योपैथिक यूनानी मेडिसिन यूनानी मेडिसिन चाहूं ता सा बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी अच्छा शुरू में छोदा सा अब इन हवाले सा एडी जान कान हुई त जब मा पाण हमदर्द ग्रुप सा 2008 में मुझे लागा पो थियो त मा पाण दिस इन में जो सजो करिकुलम पढायो ना 3 साल या 4 साल पंज साल हुन जो सॼो जेको हूंदो आहे मेडिकल एम बी बी एस जो करिकुलम हूंदो आहे पर छो त पाकिस्तान में हुनजी जेका रेगुलेटरी बॉडी आहे उहा तिब काउंसिल आहे अच्छा जीअं मेडिकल जी एम बी बी एस जी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल आहे हुनजी तिब काउंसिल आहे उहे हुननि खे रजिस्टर कंदा आहिनि ऐं हुननि खे जेको आहे हकीम सॼो वञे थो जेको हकीम त आहे तव्हां ख़बर आहे विज़डम हिकमत दानाई त उहो हुननि जो आहे ऐं हुन में सॼी जेके पढ़ाई वञिबी आहे जेका असांजी एम बी बी एस जी स्ट्रेटजीज़ आहिनि जेकी बेसिक साइट्स जी आहिनि उहे सभु पढ़ाए थो वञे उन्हनि जी सिर्फ़ु ट्रीटमेंट जेका हूंदी आहे उहा पंहिंजी ईस्टर्न मेडिसिन जे हवाले सां ई यूनानी मेडिसिन ते हूंदी आहे बाक़ी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन सॼी जेका आहे मेडिकल साइड्स हूंदी आहे एलोपैथी सां तव्हां उहो सॼो हुनजो सॼो सिस्टम हूंदो आहे तव्हां उनखे करण जे लाइ उहा त पंहिंजो जेको हुनजे ट्रेडिशनल आहिनि नर्व्स ॾिसण इहे जेकी सभु शयूं आहिनि उहे आहिनि पर हुन सां गॾु ॿी बि इन्वेस्टिगेशन पूरी कंदा आहिनि टेस्ट बिल्कुलु बिल्कुलु उहे थींदा आहिनि ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो मरीज़ जी केतिरा स्टूडेंट्स तव्हां वटि आहिनि right now mashallah asa wat here 6000 kha vadhik students aain seven campuses ke kitna tadad un matlab kede sindh sa taluq hai unan jo pure pakistan sa hai pure pakistan sa ma chaundo se depend kare to faculty wise ji ani medical jo hai ji ta asa wat balochistan ja bhi students ilai sara hain e asa ja je kan panjo sindh ma bhi students achan ta ai साउथ पंजाब मां सेंट्रल पंजाब मां के पी के में जा असांजा तमामु घणा स्टूडेंट्स आहिनि एम बी बी एस बी डी एस में ऐं कराची जा त आहिनि ई आहिनि इंजीनियरिंग में बि असांजा कराची जा स्टूडेंट आहिनि बी बी ए जी को असांजे शहर में कोर्स थिए थो त मां चवंदो सॼो पाकिस्तान खे असां रिप्रेजेंट करे रहिया आहियूं अच्छा माशाल्लाह इहो त ॾाढो ज़बरदस्तु आहे पर उन सां गॾोगॾु हीअ जेका दुनिया हींअर वञे पई ख़ासि तौर ते हाइब्रिड नयूं नयूं टेक्नोलॉजीज़ अचनि पियूं असां वटि हाइब्रिड स्टडीज़ ऐं शुरू थी चुकियूं आहिनि थियनि थियण वारियूं हा जंहिंमें तव्हां असां वटि अलाह शुक्र त पहिरीं छो त मुंहिंजो हिकिड़ो पंहिंजी फील्ड बि आई रही आई टी जी ॿाहिरि मां हुते यूनिवर्सिटीज़ में बि पढ़ायो त मां इतफ़ाक़ सां उहो एक्सपर्टीज़ बि हुई प्लस हिते अंदरि यूनिवर्सिटी में पहिरीं खां ई जेको ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम हली रहियो हो असां जेके एग्ज़ाम्स हूंदा आहिनि या मेडिकल एग्ज़ाम्स आहिनि असां हुननि खे शिफ्ट करे वियासीं फिज़िकल पेपर ऑनलाइन एग्ज़ाम त जॾहिं इहो पेंडेमिक स्टार्ट थियो ऐं हिकदमि कयो त असांखे हिकिड़ो वॾो एज हो त असां वटि टेक्नोलॉजी हुई असां वटि ट्रेंड माण्हू आहे असां हुनखे रोल आउट करण में ॾाढी आसानी थी ऐं असां शिफ्ट कयासीं ऑनलाइन टीचिंग ते अच्छा ही भला पेंडेमिक में ऑनलाइन क्लासिस थिया हिन में कंहिं शागिर्दनि वटि बिजली न हूंदी कहिड़ो इंटरनेट प्रॉब्लम न हूंदो पोइ तव्हां हिनखे कीअं ओवरकम कयो ज़ाहिरी ॻाल्हि ॾुखियाई त हुई वीचारा जेके फरलॉन्ग एरियाज़ में रहनि था उन्हनि लाइ उहे सहूलियतूं उहे टेक्नोलॉजियूं अवेलेबल त न हुयूं उहे असां इहो चयोसीं त भई सेशन्स कयो उन्हनि खे पोइ रिकॉर्ड कयो यूट्यूब ते अवेलेबल हुजनि ऐं कुझु अहिड़ा हुआ जीअं माना के पी के में परे परे एरियाज़ जा हुआ उन्हनि खे पोइ असां हुननि खे सी डीज़ बि मोकिलियूं भई तव्हां करे सघो था रिकॉर्ड सेशन्स बि आहिनि या उन्हनि खे असां फैसिलिटीज़ पोइ एच ई सी जो वॾी कंट्रीब्यूशन हुई त भई अगरि उन्हनि जॻहियुनि ते हलिया अचनि थोरो क्लास वठण जे लाइ जेके यूनिवर्सिटीज़ आहिनि घटि में घटि उन्हनि खे ऑनलाइन सहूलियतूं ॾिनियूं वञनि ज़बरदस्त पोइ इंटरकनेक्टेड न हुयूं शयूं या हुयूं हुन में बिल्फर्ज़ तव्हांजी हमदर्द यूनिवर्सिटी ऐं ख़बर पए त एन डी यूनिवर्सिटी जा शागिर्द हिते था कनि की किथे मां ॿाहिरि मुल्क में त इहो ॾिठो आहे त उते अॻु में त इहो हुई टेक्नोलॉजी हाणे त ख़ैर वास थी वई आहे त इवन अगरि कंहिं इलाइक़े में उन कंपनी जा मोबाइल सिग्नल न ईंदा हुया त ॿी कंपनी जा सिग्नल उनखे कवर कंदा हुया लिखिजी ईंदो नालो सभु शयूं त पोइ खणी उहे रोमिंग चार्जिस त हूंदियूं पर हुनखे सहूलियत हूंदी त एमरजेंसी में अगरि हुनखे टेलीफोन मैसेज करे त एटलीस्ट उन सहूलियत मौजूदु हुजे तीअं उन शइ खे नज़र में रखंदे ऐं इहो सिर्फ़ु पुछणु चाहियां थो त असां वटि यूनिवर्सिटी माना पंजाह पंजाह स्टूडेंट पाण ॼाणियो असांजो कुझु न हुजे ॿी यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि सां न हिन में मां सम्झां थो त एच ई सी जो हिकिड़ो फोकल हूंदो हुननि जी वॾी रेगुलर मीटिंग्स थींदियूं बाक़ाइदा स्ट्रेजडी हूंदी हुननि जो हिकिड़ो सेंट्रलाइज़ हुते सपोर्ट सिस्टम ॾिनो हुओ जंहिं सां तव्हां कॉन्टेक्ट में हूंदो इहे सभु यूनिवर्सिटी जा वाइस चांसलर्स या टेक्निकल टीमूं हुननि ईअं कोन हो त माना को ऑर्गनाइज़ ऑर्गनाइज़ स्ट्रक्चर हो पर किथे किथे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे
हाँ अड़े एरिया से जिते बी सहूलतू ना जिते बिजली ना तो उत नेट या सिग्नल जहाँ प्रॉब्लम उत इशूज हुआ उन दुखियाई थी होंगी बिल्कुल एग्जामिनेशन की मैनेज कंदा हुआ एग्जाम थिंदा हुआ था अच्छा एग्जामिनेशन के हवाले से एक मजे की गाल स्टूडेंट जैसे ऑनलाइन क्लासेस पे चाहिए भाई यार लर्निंग ना हलो ठीक है पर जब ऑनलाइन क्लासेस तो चाहिए एग्जाम भी ऑनलाइन वो जी ऑनलाइन क्लासेस शागिर्दन जा हलन था मुझे ने ऑनलाइन पढ़ंदो ऑनलाइन वठो पर वो मोबाइल असन समाज झले बींदी आ उन जो क्यों जस थी खुलन वो पेरेंट्स लाए लाइक टफ थी वो हां पेरेंट्स लाए वार दुखिया पर असन जो यूनिवर्सिटी जा स्टूडेंट्स एंड अंडर ग्रेजुएट आए तो वदा पर स्कूल से बारन के तो वाकई दुखियाई थी हां अच्छा पर साहब असन ये जरूर बताया तो वो शागिर्द जके हियर इंटरमीडिएट जके हियर प्रमोट थिया उन के एक चांस मिली हाँ परसेंटेज घट वध थींदा पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलो मैनेज कन थियूं उहे अगर हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन वठन त छा क्राइटेरिया आहे कॾहिं खां तव्हांजी एडमिशन शुरू थी आहे एडमिशन ड्राइव असांजी शुरू थी चुकी आहे असांजो फॉल 2021 जो पोर्टल खुलियल आहे एप्लीकेशन पर असांजे एड बि अचण वारियूं आहिनि असांजे ऑनलाइन सोशल मीडिया ते बि मार्केटिंग ऐं प्रमोशन्स हली रहियूं आहिनि ऐं हुन जे हवाले सां पर इहो वेरी कंदो फैकल्टी फैकल्टी जीअं तव्हांखे ख़बर त मेडिकल जा जेके एडमिशन्स आहिनि उहो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल ॾिसंदी आहे त हुनजो पंहिंजो हिकिड़ो पैटर्न हूंदो आहे साल में उहो पाण ई अनाउंस कंदा आहिनि उहे सेंट्रली एग्ज़ाम वठंदा आहिनि उनखां पोइ रिज़ल्ट रिलीज़ थींदा आहिनि हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे एन सी ओ सी अनाउंस कयो आहे त जुलाई में इंटर जा एग्ज़ाम्स वठनि था इहो थोरो मां सम्झां थो त पुश थी ईंदो सेप्टेम्बर ताईं ईंदे अगस्त सेप्टेम्बर में रिज़ल्ट ईंदा ऐं पोइ सेप्टेम्बर में ई सेशन्स स्टार्ट थींदा छा प्रोसीजर हूंदो आहे तव्हां ताईं पहुचण जो साईं असां वटि असांजी एडमिशन ऑफिसिस बि आहिनि तव्हां ऑनलाइन जेकॾहिं को दादू माल अड़काणे मां या ॿियनि शहरनि मां ॾिसे असांजी हमदर्द यूनिवर्सिटी जी आहे हमदर्द edu.pk उन ते डायरेक्ट करे सघनि था उते असांजा एप्लीकेशन फॉर्म आहिनि एनरोल फॉर्म आहिनि असांजा कॉन्टेक्ट नंबर्स आहिनि ईमेल एड्रेसिस आहिनि ऐं तव्हां हुनखे अप्लाई कयो उते एप्लीकेशन फॉर्म करे तव्हांखे रिस्पॉन्ड ॾींदासीं ऐं हिन सां गॾोगॾु असां हींअर जे दादू जी तव्हां ॻाल्हि कई त असां पंहिंजी टीम मोकिलींदासीं एडमिशन्स टीम जेके सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में वेंदियूं ऐं फेस टू फेस सॼी उन्हनि खे काउंसलिंग बि इन सेंस में कंदियूं उन्हनि खे ॿुधायो वञिबो त बाबा तव्हांजे हिसाब सां कहिड़ो कोर्स तव्हांजे लाइ बहितर रहियो वञिबो कहिड़ी छा जॉब मार्केट आहे कहिड़ी तालीम आहे उहे बि ॾींदासीं उन सां गॾु उते ई असां वन डोर फैसिलिटी ॾेई उते ई टेस्ट वठी उते ई उन्हनि खे असां एडमिशन्स ॾींदासीं हाणे ॾाढो ज़बरदस्तु आहे साईं ऐं अलाह करे ईअं थिए ऐं अच्छा तव्हांजो फॉरवर्ड लिंकेजिस हूंदो आहे इदारनि सां दुनिया में त यूनिवर्सिटी जॾहिं बि आख़िरी साल में हूंदा आहिनि ॿार अच्छा त उते जॉब फेस्टिवल्स लॻंदा आहिनि ऐं जॉब फेस्ट मुख़्तलिफ़ कंपनीज अची पोइ हायर कंदा आहिनि शागिर्दनि खे कुझु वरी इदारनि जा मुख़्तलिफ़ इदारनि सां हूंदा आहिनि त जेके स्टूडेंट पास थियण वेंदा आहिनि उन ते ईमेल करे उनजी पूरी मोकिलींदा आहिनि त पोइ इदारा पाण ई उन्हनि खे घुराए वठंदा आहिनि असां वटि छा मैकेनिज़म आहे असां वटि हिकु वर्क प्लेसमेंट ऑफिस आहे ओरिक सां गॾु कमु कंदो आहे असांजो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आहे वर्क प्लेसमेंट ऑफिस उन सां गॾोगॾु असां हर साल जॉब फेयर कराईंदासीं पर बदकिस्मती सां पोएं साल असां न कराए सघियासीं फिज़िकली पर ऑनलाइन जॉब फेयर जेको नओं ट्रेंड आहे उहो कयोसीं इन सां असांजी फैकल्टी ऑफ लॉ बि आहे जेके हिते सिटी कैंपस में आहे अलहमदिल्ला असांजा जेके बि ग्रेजुएट्स आहिनि सभिनि खे जीअं ग्रेजुएट्स थिया आहिनि सभिनि खे जॉब ते तमामु सुठी जॉब ऑफर्स आहिनि पोएं साल असांजा जेके बि बी बी ए जा स्टूडेंट्स हुआ उन्हनि खे असां कंपनी सां लिंकेज कराए उन्हनि खे बि इहो आहे त ग्रेजुएट थियण खां पोइ उन्हनि खे जॉब स्टार्ट मिली वई सभिनि खे ॾाढो सुठो माशा असांजे यादि आहे कैंपसिस ॿिया न पिया वञनि ॿियनि शहरनि में ॿिया कैंपसिस तव्हांजा असां सिंध में त जीअं कराची में असांजो हिकिड़ो कैंपस आहे जेको सिंध ऐं बलोचिस्तान जे बॉडर ते आहे सही ऐं ॿियो जेको असांजो शहर में कैंपस आहे जिते असां लॉ जा कोर्सिस हलायूं था उन सां गॾु असांजा बी बी ए एम बी ए सोशल साइंसिस जा कोर्सिस मीडिया स्टडीज़ जा कोर्सिस जंहिं तरफ़ तव्हां इशारो कयो उहो बि असांजो हैदराबाद वञो पिया या सखर आहे या ॿिया शहरनि जेके अञा न असां कराची में ऐं ॿियो इस्लामाबाद में आहियूं इरादा इरादा आहिनि एक्सपेंशन जा छाकाणि त सहूलियतूं सहूलियतूं हुननि खे उते ई मिलनि त पोइ शायदि जी लोड बि घटि थिए वॾनि वॾनि शहरनि में पर मां चयुमि न असां वटि ॾाढी ज़बरदस्त हॉस्टल हिकिड़ी फैसिलिटीज़ आहे जेके असांजा स्टूडेंट अचनि था मां बि चवां थो हिकिड़ो पंहिंजे शहरनि खां ॿाहिरि निकिरी अचनि था त हुननि खे हिकिड़ो एक्सपोजर मिले थो ॾिसो तालीम सिर्फ़ु क्यूरिकुलम पढ़ण ऐं सम्झण जे हवाले सां न हिकिड़ी पर्सनल ग्रूमिंग लाइ बि ज़रूरी आहे त तव्हांखे ख़बर आहे जीअं असांजो जाम शोरे में यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ऐं एल एम सी जेका हूंदी हुन ज़माने में उनजो जेको एल एम यू थी वियो आहे त उहो जेको हॉस्टल जो माहौल उते बि इंसान जी हिकिड़ी वॾी लर्निंग थी थिए माण्हू मुख़्तलिफ़ शहर जे माण्हुनि सां मिले थो उहो बि इंसान जी तरबियत में हिकिड़ो अहम किरदारु अदा करे ॾाढो ज़बरदस्तु हिकु दफ़ो ॿीहर हलूं था नसीम ॾांहुं अदी नसीम अॼु गोड़ कयो शुरू शुरू में हाणे एतिरो गोड़ नथो अचे
घोड़ तो शुरू में तो जाहिर थिंदो तो निंड तो पिकंदी ना जका हुंदी फ्रेश थी विंदो मानू किचन तो किचन पर अज किचन में तो ये थिंदो ना फ्राई वाली शय ना है ने फ्राई कंदायो तदे वधिक म्यूजिक इंदो है वो म्यूजिक इंदो ना थोड़ी देर का बाद में फ्राई जो इरादो रखो ता हां वो है पेरी दिन जो थिंदो ना दाग जो देंदा से चावरन के जो यखनी जो पेरी तो बॉईल की वा थांदो उन में मसालो थांदो तो मसालो थांदो तो डांस बांस कंदा ना बसर टमाटर जाहिर वरी म्यूजिक उन सा गड हलंदो वो पोस्ट स्टार्ट थी विंदो ना हां ता फार्म में अच्छी विंदा माशाल्लाह पो बाद में गोड़ का सवा मना काड़ी रेसिपी आए जका बगैर ना गोड़ का सवा का भी कोने मानो भी गोड़ का सवा कोई भी चाय ठई विंदी चाय भी उन जो भी थोरो तको को ता इन जो मतलब पॉट जो जको था जो आवाज थी बेदो बॉईल थी सके तो वो पानी में बॉईल कर सकौं ता बस पानी में बॉईल हां पानी में बॉईल जको थिनो उन जो पो भी इंदो आवाज हां कोई भी इंदो देगड़ी रखंदा से पानी विजंदा से आवाज के में ना आवाज में ही तो मजो आ ता ही हो रेसिपी ता इंदे खीर में बॉईल करन बेदन के केड़ी केड़ी रेसिपी है ता के खबर है खीर में बेदो जने बॉईल थिनो तो उनो टेस्ट चेंज थी ना खबर है अच्छा ना खबर ही ना है आधा सजा जी रेसिपी आ बिल्कुल मुजिया 100% मुजी रेसिपी आ असा के पठाए दियो ता यो मा करे ता के ठाए दियो खीर में बेदा बॉईल करे पो सा की पो दिसो ता खीर में बेदा के बॉईल कंदा खल जे मता उन जो टेस्ट अंदर वने तो या भले खबर पे दुनिया पंजी पंजी रेसिपीज थी ठाए असा पंजी ठाई दा असा पंजी ता जी दादू वाली रेसिपी हुंदी या दादू वाली रेसिपी दादू हां सही आ ने तैयार के मजबूरन भी करो पव तालीम वी मास्टर वगैरह तो इलाही सारा सीख खीर में अंग्रेजन के कोन कदी डिठी आ छो पते रहो ऐसा नवाण हो न साईं इनोवेशन आ इनोवेशन आ खबर तो पे बराजरी के खणी न पते या हाने करे दिसन आ अजी इनोवेशन ही इनोवेशन थी आ हां तो बिल्कुल यू कैन ट्राई करे दिसन खपे हां ट्राई करन पर किलो डेढ़ किलो खीर खणी असा जो थिंदो बेदो दिसन आ सी टेस्ट के थी थी या तो खीर सही थी तो या बेदो सही थी तो अड़ा के मेहमान अचन जी घा होजन तो उन्होंने उन खीर की चाय खड़ी दई छा टाई कर साइंटिफिकली थी सके तो भाई उनमें भी प्रोटीन में भी प्रोटीन प्रोटीन पान मिली हुई प्रोटीन वधी हुई हाई प्रोटीन वो भी ताकत खबर है जेके प्रोडक्ट्स देन त हाई प्रोटीन में भी अंडा ही खीर में जेड़ा कोरोना जा दी आ अगर असा मानन के इयो बुदाई हो त जेके ना खीर में बेदो बॉईल करे खाई तो कोरोना घट हो तो मानो इयो भी करना त यार इयो भी करे दिसु मता इन सा कोरोना न थे वैक्सीनेशन सा बची पऊ हां वैक्सीनेशन सा बची पऊ अच्छा परवेश भा असा चोरी पने टॉपिक ते जेके असन दा दिसन दा उन डिग्रीज पे नंदा वर्तियो छा तहां उनके एमफिल ए पीएचडी ऑफर कयो पे बिल्कुल साइंस जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है सोशल साइंसेस में आ है मैनेजमेंट साइंसेस में आ है तकरीबन तमाम सब फैकल्टीज में सवाए लॉ के छे छह जी छह फैकल्टीज में सा पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी प्रोग्राम सा डाटा कामयाबी सा हली रहा घणा स्टूडेंट अचन था तहां वट पीएचडी पीएमफिल लाए असल में उन्होंने जो एचईसी जो हों के सुपरवाइजर्स उन हिसाब से तक एलोकेशन क्या पे साल असो इन में बीहर स्टार्ट किया फैकल्टी में तक पंजा का असाजा एम एस या एम फिल प्रोग्राम जैसे चे तो पी एच डी स्टूडेंट्स आया सिर्फ असा बिजनेस एजुकेशन में जो फैकल्टी है तहाँ स्पेशली उनकी क्राइटेरिया होंगे तट जी खोड़ असाया दोस्त दिसा वो चुनाव यार जो उत पढ़ाया या कोई ऑनलाइन क्लासेस वा या कुछ जॉइन कर गेस्ट गेस्ट आर्स में उतना दिया तो क्राइटेरिया प्रोसीजर है उन्होंने लाइन जी बिल्कुल असके एड्स इंदा रहा हाँ भी असो एड आयल है हायरिंग हली रही है यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के हवाले से अच्छा उनमें भी तबर तो एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल अगर इंजीनियरिंग से या पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उन फैकल्टी जो क्राइटेरिया उन एच ई सी जो भी क्राइटेरिया जो तमाम यूनिवर्सिटीज पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अप्लाई लेक्चरशिप के लिए तक मास्टर्स डिग्री या एम फिल खे तो उनकी फर्स्ट डिग्री उन रिलीवेंट होने खे उन डिपार्टमेंट में अगर तुम फार्मेसी में पढ़ा चाहो तो फॉर्म डी तीन फर्स्ट डिग्री होंगी उन एम फिल होंगी एज अ लेक्चरर स्टार्ट कर सो अच्छा प्रोसीजर प्रोसीजर है हायरिंग इंटरव्यूज सिलेक्शन कमिटी सिलेक्शन बोर्ड्स उन्हें जॉब ऑफर दी वे अग भी तो लेक्चर्स यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ वन सेलिब्रिटीज के घुराया वो दुनिया में बिल्कुल
असां वटि छा मतिलबु हमदर्द यूनिवर्सिटी में छा उनजो क्राइटेरिया आहे त छा अहिड़ा लेक्चर्स थियनि था या कुझु सालनि खां मां त पाकिस्तान में घटि ॾिठो आहे सॉरी टू से ॿाहिरि यूनिवर्सिटी में मुख़्तलिफ़ जेके दुनिया जूं वॾियूं वॾियूं पर्सनैलिटीज़ आहिनि उनखे हायर करे यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर कराए वेंदा आहिनि असां वटि घटि थो थिए तव्हां वटि थिए थो बिल्कुलु असां वटि मां सम्झां कॉन्फ्रेंसिस जे हवाले सां दो त असां जेका प्राइवेट यूनिवर्सिटी आहियूं ऐं एस एच ज़ारियल फंडिंग असांजी पाण ई सॼी जनरेट कंदा आहियूं त हिन सां तव्हां जेको 4 या 5 करोड़ असांजा सालाना बजट मुख़्तस आहे सिर्फ़ु रिसर्च जी ग्रांट्स में असां ॾींदा आहियूं जेका असांजी फैकल्टी रिसर्च करे रही हूंदी आहे हुन सां गॾोगॾु असां हिन में कॉन्फ्रेंसिस बि कराईंदा आहियूं इन ई पेंडेमिक पीरियड में असां जेको असांजो जेको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसिस आहे हुन इंग्लिश जी पहिरीं कॉन्फ्रेंस कराई पाकिस्तान में हिन में पेंडेमिक में जंहिंमें ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे लिमिटेड माण्हू हुआ पर ऑनलाइन बि हुई त हुन तमामु वॾा आया हुन खां पहिरीं असां ईस्ट पंहिंजो हुनजी स्कॉलरशिप कराईसीं फार्मेसी जी जंहिंमें असांजा यू के मां वॾा प्रोफेसर हुनजो यूनिवर्सिटी ऑफ हडरफील्ड जो डीन आयो अची कॉन्फ्रेंसिस में अटेंड कई त इहे असांजा मुसलसल हलंदा रहंदा आहिनि हिन तरफ़ हिनजो असांजो ख़ासि तवजो आहे पर उनजो स्प्रेड असां घटि ॾिसंदा आहियूं ईअं छो आहे मतिलबु ओसिते महदूद हूंदा त जेसिताईं शागिर्द आहिनि उहे जेके हिते अटेंड कनि था या जंहिंसां जेका सलाह ॾियनि आम माण्हू ताईं उनजो फल नथो पए थिए इहो त असां त ॾिसंदा आहियूं जी इहा ई ॻाल्हि असांजो बि हिकिड़ो विजन यूनिवर्सिटी में हिन हवाले सां आहे त असां जेका रिसर्च थिए थी रिसर्च जेका थिए थी ऐं किताबनि में बंदि थी शेल्फनि में बंदि न थियणु खपे रिसर्च उहा थिए जेके मुआशिरे खे हुनखे फ़ाइदो ॾेई सघे हिन में तव्हां ख़बर ॿारहनि मुल्कनि में जीअं तव्हां पाण बि ॾिठो हूंदो तस्करो पिए कयो त कोलेब्रेशन थींदियूं इंडस्ट्री सां कोलेब्रेशन थियनि थियूं इन हवाले सां इलाही सारो कमु कयो आहे पर कुझु रीज़न जे करे उन हवाले सां एॾी प्रोग्रेस न थी सघी आहे जेतिरी थियणु खपे बिल्कुलु तव्हांजो जाइज़ ॻाल्हि आहे हुन हिसाब सां हालांकि असां हिननि सां काफ़ी ऑर्गनाइज़ेशन सां कयूं बि था पर उहा स्पीड हुअणु खपे छो त जेका बि रिसर्च थी रही आहे तव्हां ॾिसंदो नंबर ऑफ पब्लिकेशन्स एतिरियूं थी वियूं यूनिवर्सिटी थी वियूं को क्रिटिसिज़म न आहे पर उनखे जेके सोसाइटी खे उहो सच उन हवाले सां उहो फ़ाइदो थिए त उहा मां सम्झां थो वधीक बहितरु रहंदी रिसर्च हा डेफिनेटली ईअं ई आहे ईअं ई आहे ऐं शागिर्दनि जी काउंसलिंग जो केसिताईं तव्हां वटि आहे त शागिर्द अची विया पर उनजी हिकिड़ो सिविक सेंस थिए थो तरबियत आहे बिल्कुलु हा हर माण्हू जा पंहिंजा पंहिंजा आहिनि त हा जीअं हकीम साहिब जो तव्हां पढ़ंदो हुननि जे ॿारनि जी तरबियत ते तमामु घणो हूंदो इहे नोनेहाल सॼो हुनजो असां वटि स्कूलिंग जे हवाले सां छो त असां सां गॾु ई हमदर्द पब्लिक स्कूल बि आहे हमदर्द विलेज स्कूल बि आहे जेके हुतां जा जेके लोकल आहिनि उनखे फ्री ऑफ एजुकेशन ॾे ग्रांट ॾींदा ऐं माशाल्लाह उनखे असां हुन सां गॾो गॾु हुननि खे वोकेशनल ट्रेनिंग कराइणा ईंदा त रेगुलरली असांजी नोनेहाल असेंबली बि थींदी आहे जेको हमदर्द फाउंडेशन कराईंदी आहे पर असां यूनिवर्सिटी में बि ऑर्गनाइज़ कंदा आहियूं हुनखे जीअं ॿार अचनि था या ॿार ॿियनि ॿारनि खे विज़िट कराईंदा हुन सां गॾो गॾु असां वटि ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट बि आहिनि जेके ॿार हॉस्टल में रहनि था या यूनिवर्सिटी में पढ़नि था हिकिड़ो घर खां ॿाहिरि उनकी पंहिंजी काउंसलिंग जे लाइ बि असांजो सिस्टम आहे प्लस असां वटि हिते असांजे ताज हॉस्पिटल में असांजा साइकोलॉजिस्ट आहिनि जेके ॿारनि खे काउंसलिंग कनि था प्लस असांजा मार्केटिंग डिपार्टमेंट सां गॾु असांजो काउंसलिंग जो बि सेशन आहे जेको ॿारनि खे गाइडेंस ॾियणु एडवाइस ॾियण जे हवाले ऐं वोकेशनल जे हवाले सां जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं टेक्निकल जेका ट्रेनिंग्स आहिनि टेक्निकल कमु आहिनि दुनिया में हुनजी घणी खपत आहे हाणे हिन वक़्तु त असां वटि कमु थिए पियो बिल्कुलु थिए पियो मां उहो ई तस्करो पियो कयां त असांजो टेक्नोलॉजी कोर्सिस थी आहिनि ऐं हुननि जी वॾी डिमांड आहे जंहिंमें असां बी एस मैकेनिकल ऐं शुरू कई इलाही सक्सेसफुल रही बी एस इलेक्ट्रिकल कई आहे हाणे असां ॿिया ऑटो डीज़ल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी वोकेशनल क्वालिफिकेशन्स करणु जंहिंमें असांजा इंडस्ट्री जा ॿार जेके हुते जॉब करे रहिया आहिनि उन्हनि खे असां इहे क्वालिफिकेशन्स ॾेई रहिया आहियूं दुनिया बायोडीज़ल ते ज़बरदस्त कमु करे जी बिल्कुलु ऐं सभु शयूं थियनि थियूं असां वटि अञा पोइ ते आहियूं असां रिसर्च आहे ॾिसो तव्हांखे ख़बर आहे हिकिड़ो त फंडिंग जो बि हिकिड़ो इशू हूंदो आहे पर हाणे मुंहिंजे ख़्याल सां पहिरीं दफ़ा थियो आहे क्रेडिट वञेसि थो त सिंध एच ई सी जेको आहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जे बि रिसर्च स्टूडेंट्स खे ग्रांट ॾिनी आहे हिन साल खां हिन बजट में सिंध गवर्नमेंट जे थ्रू त इहो हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे बाकी जेके ग्रांट्स अचनि थियूं तव्हांखे ख़बर एच ई सी जी मोस्टली उहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ खे या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ खे वञनि थियूं प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ खे पंहिंजा फंड्स पाण जनरेट करणा था पवनि अच्छा पर तव्हां माशाल्लाह हींअर तव्हांजो एक्सपोजर डिफरेंट आहे ॿाहिरि पिया आहियो हिते ॾिसो पिया यूनिवर्सिटी खे ॾिसो पिया अकेडमिक शयुनि खे ॾिसो पिया शागिर्द जी डिमांड ऐं हुन सप्लाई ॾिसो पिया हींअर खोड़ शागिर्द उन्हनि जा वालदिन तव्हांखे ॾिसनि पिया ईंदड़ वक़्तु कहिड़ी टेक्नोलॉजी जो आहे ॿार छा ज़हन ठाहिनि उन पासे पढ़नि राग़िब कनि पंहिंजो पाण खे त तव्हां उनजे लाइ तव्हांजी पंहिंजी रिसर्च छा आहे ज़ाती माना
अच्छा मां पांजो बाहरियों भी एक्सपीरियंस यो कंदो सो टेक्नोलॉजी एकड़ो असन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को तरबियत बाहर जेका की आ ना एको सुठो मानु थी वने जेको पॉजिटिवली सोसाइटी के कंट्रीब्यूट करे सके उन सा जेके वो स्किल्स उनके डेवलप थेंदा वो मां समझा तो पोजी गाल अगर डॉक्टर थे तो को सुठो डॉक्टर आ को सुठो मानु जेको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे सके तो वो आ बाकी आनी जेके फ्यूचर जे हवाले से ता खबर आ हेल्थ मां समझा तो वो ये जो पेंडेमिक आयु आने में ये जो रिलेटेड असो फिजिकल थेरेपी में भी अस कोर्सेस शुरू स्टार्ट किया तो हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेस मुझे क्या फ्लरिश कहना हेल्थ साइंस हेल्थ साइंस के हवाले से टेक्नोलॉजी उन गोगर हल्दी इतफाक से अस बी पे कॉन्फ्रेंस या सिंपोजियम थो जो हवा दिनों जैमें अस चाइनीज यूनिवर्सिटी से एम ओ यू तो उनकी प्रेजेंटेशन हुई तो उन्होंने कोविड के हवा से दवाओं ठाईन उनको उन्होंने इम्पैक्ट दिसन चाहे सोसाइटी से उनमें उन टेक्नोलॉजी उन्होंने गड कई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर अल्गोरिथम्स तो भैया केडी इफेक्टिव आई केतो पेनिट्रेट करे थी कड़े सेल्स से वही कम करे थी तो ये गडो गड मल्टी डिसिप्लिनरी तारी गाल ये गड थी अगत हेल्थ भी हल्दी ए टेक्नोलॉजी भी हल्दी इनके पाकिस्तान में यूटिलाइज करें इन कम थे सख्त जरूरत है हाँ तो असो तो चाइना उ चश्मा ठाया जी उन्होंने मूल चश्मा पाए मुख्तलिफ मॉल्स में ऑफिस में वा तो जिनमें खबर पवी तो टेम्परेचर केतो आड़ो मूँ ठीक है ना है, तो उनके वही पिन आउट कंदा मतलब पिन पॉइंट उतें ही कंदा चंदा बाबा तुम एडा अचो पास से अचो पेनाडोल खाए निकली मूँ तो भाई उन ही कॉन्फ्रेंस में उन्हें गाल कई तो माना चाइना की तरक्की आंजा नंबर ऑफ पब्लिकेशन्स रिसर्च पेपर आज साल अमेरिका का तो इलाही तेजी से कम कर रहा है यो एक सुठी अपॉर्चुनिटी दी दी असा के पाकिस्तान में कंपटीशन है कंपटीशन है असा सोचो था कंपटीशन में अच्छो भला कर पर दुनिया में कल ताजो अमेरिका पने बजट में ठीक ठाक पैसा वधन टेक्नोलॉजी के चाइना सा कंपेयर करने के लिए तो भाई हाँ असा जी जका टेक्नोलॉजी जो चाइना का वधिक सुठी जो दुनिया कम करे पई छा पैगाम होंदो ता जो जी बिल्कुल बजट बचने वो ऐसा हुकूमत की प्रायोरिटीज में हों समझा तो जैम तालीम ए सेहत के हवा से केतरी बजट एलोकेशन थे दी उनकी यूटिलाइजेशन किए दी थे शागिर्द पैगाम दियन चाहे शागिर्द यो है यो दुखियो एकड़ो टाइम गुजरियो इंशाल्लाह हाँ ये वैक्सीनेशन वगैरह थी रहन अचो पाँच यूनिवर्सिटीज में वापस मोटी इंदो इंशाल्लाह तुम मेहनत कर कामयाबी माड़ो तुम अगत सोता तहां जो मुस्कुराहटू ताजी रेसिपीज दाडी धूम मचाई छली है सोशल मीडिया पे जण भी खपे हां लाल पसंद करता कुछ इरादो ता जो चेंज थयो है के न्यूज़ छडे आई पो किचन ना हले वना मां विच में इरादो कयो यो अच्छा मुकी स्विच न कयो कल ल टोनी जिक थे पो त यही चा सजाद वाके नी हते व्यारे जे बजाय मखे आदी नसीम सा घर छडे त असा बई जणा फर्स्ट क्लास किस्म दी का रेसिपी तैयार करे दियो तवा के हां नहीं है मां कुछ नई टिप्स दिनियो न जिनन के उन ते अमल हाने ना बेतो जे को है ना खीर में बॉईल करना सी असा दादू वारन जी हां खबर पे मारो के ये चा थिंदो सही खबर पे नवा नवा आइडिया सर जी दोस्तों मेहमान से मुलाकात करायूं ए आजकल खास तौर ते कोरोना जका वबा ही गुजर डेढ़ साल का वठी जका असा ते हावी थी चुकी शुरुआत में तो तमाम घो खौफ हो जो अस एक बे घर भातिन का अस डिजने लगासी तो केर अगर थोड़ा बाहरा थी अचे पो तो उनके यो चे तो पैर कपड़ा चेंज करे वेंजे हथ धोए कर बहरा थी आया हुआ तो यकीन कुछ न कुछ खड़ी आया तो असा साइकोलॉजिकली अटा डिस्टर्ब रहासी तमाम घो खौफ हो कोरोना को घट हु हाँ कोरोना तो है कोविड की जो सिचुएशन है उनमें कोरोना तो है खौफ थोड़ा मोकलाया वह एहतियात में भी जी सब शन उनमें हाँ अस ओवरकम कर शुक्र अलहमदुल्ला पर एहतियात अफसोस का बेहतर थोड़ा बो अज अस गल की कोशिश कदी तो जी अस जहनी कैफियत अस इंसान जो कदें हेठ कदें मथे जो स्विंग्स मूड स्विंग्स इंसान में कदें कड़े मूड में कदें कड़ी रम्ज में तो उ छो आ खास तौर पर रिलेशनशिप के वी अजकल घरवारी ए घरवारे जहाँ रिलेशन जी एडा जबरदस्त शानदार जो कोशिश यही थन त जकन अस एक बे सा घट गलाय तो बेहतर है ना पेंडेमिक जे करे फाइनेंशियल इश्यूज ए जॉब जा इतरा इश्यूज थी वे उने जे करे भी मानो इतरे डिप्रेशन ए स्ट्रेस में गुजरे आ हन
छो आए कि इनके बेहतर कर उन तमाम बेहतरीन असा वट साइकोथेरापिस्ट मौजूद हैं जी असानी जहनी कैफियत असा लफ्ज़ असा रवैया असा लहजा केतरा स्ट्रॉन्ग होजन खपन एक बे लाइ के चिट्टा होजन खपन वाजे होजन खपन उन मुतालिक अस साइकोथेरापिस्ट हैं होमेरा अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक यू। आपको सुबह सुबह हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी एक मसरूफियात होती है, तो क्या ये पेंडेमिक के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं आजकल? तो आजकल तो आई थिंक बिकॉज अब साल हो गया है, तो जैसे हर जैसे पेंडेमिक के अपने वेरियंट्स में फ़र्क आया है, डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट्स आए हैं, ए सिम्टोमेटिक, कभी सिम्टोमेटिक, कभी किसी को ज़्यादा, तो आई थिंक मेंटल प्रेशर में भी ना लोगों के ऊपर फ़र्क आया है। शुरू में ज़रा ज़्यादा था, लास्ट ईयर जब कोविड शुरू हुआ था, क्योंकि इतनी एम्बिग्विटी थी, इतना किसी को पता नहीं था कि है क्या एक्चुअली, सो बात बात पे सब हाथ भी धो और ग्रोसरीज़ को भी धो और बाहर से अंदर आ रहे हो तो नहा भी लो और जितना प्रिकॉशन सब कर सकते थे करते थे, लेकिन उसमें खौफ बहुत बिल्डअप हो रहा था, बहुत खौफ था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं थी, जिसने जो बोला पढ़ लिया। शुरू में तो इतना बल्कि हुआ था कि पहले एक महीने में हम लोगों ने एज थेरेपिस्ट हम लोग को लिटरली एक रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी लोगों से कि प्लीज़ अपना सोशल मीडिया कम करो, प्लीज़ फॉरवर्ड मैसेजेस कम भेजो, क्योंकि लोगों को वो भी पढ़ पढ़ के और ज़्यादा खौफ आ रहा था, स्ट्रेस हो रहा था, डिप्रेशन हो रही थी। सो वी हैड टू एक्चुअली टेल पीपल कि आप अपनी बाउंड्री बनाओ, एक हद बना लो कि मैंने दिन की एक खबर सुननी है, मैंने दिन का एक फॉरवर्ड दिन देखना है, और बेशक अगर अगला नहीं रोक रहा भेजने से, वही चीज़ छः ग्रुप में छः लोग बार बार भेज रहे थे। सो आप वो उसी रिपीट टेलीकास्ट। आज जब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो मैंने अपने शेफ से कहा कि कोई रेसिपी, तो उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा कभी आपने दूध पे अंडे उबाले? हमने ये नहीं किया। मैंने कहा अगर ये रेसिपी में जब शुरू में कोरोना आया था बोलता कि अगर दूध में अंडे बॉयल करके खाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, तो पूरा पाकिस्तान आज दूध में अंडे बॉयल करके खा रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। शुरू में जरा सैनिटाइजेशन के ऊपर था, मास्क पहना है नहीं पहना, अब जाके आई थिंक जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर फर्क था, इस साल फर्क था, अब लोगों का खौफ जरा कम हो गया है, लेकिन अब वो खौफ जरा डिफरेंट, अब वैक्सीन की तरफ चला गया है। सो रुझान जो है लोगों का बदलता जा रहा है। लास्ट ईयर जैसे ये था कि हम फाइनेंशियली क्या करेंगे, लास्ट ईयर घर में सबने बड़े खाने वाने भी पकाए, अपना बिजनेस भी नए ट्राई किए, सब कुछ किया, इस बार उसका आफ्टर इफेक्ट फाइनेंशियली जैसा आपने उनसे बोला, अब जाकर उसका फर्क पड़ रहा है। जिन लोगों के बिजनेस बंद हो गए हैं उनके लिए साइकोलॉजिकली बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंस नहीं हो, आपका घर नहीं चलेगा, आपके पैसे नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ी एंजाइटी तो ये स्पेशली फादर्स के लिए। कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम, केयर पे गाला है किथा? जी वालेकुम अस्सलाम। जी अदी किथा पे गाला हो? अस्सलाम वालेकुम दा सजाद। वालेकुम अस्सलाम अदी। साल आता ठीक लगा पे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। केयर पे गाला है केड़े शहर का? गाला था वो तो बतायो ना केयर पे गाले। अदी वैक्सीन का पो मुझे थोड़ी यादगिरी तो थोड़ी मजाक हो गया। अच्छा अदी नी शिकारपुर दा खुशाल नी ठीक लगा पयो? हां या नी न हुई न त मां के आवाज थोड़ो समझ में ना आयो। केड़ो हाल आदी सना ठीक आयो? जी जी अदा बिल्कुल ठीक है। पी पी का बता केड़ो हाल ठीक लगा पयो? बिल्कुल हैप्पी हैप्पी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ता ठीक लगा पयो? ठीक लगी पया। फर्स्ट क्लास जबरदस्त जबरदस्त। डाडी अरसे का पोता कॉल किया आई आवाज अंदाज मटी जी है तहां जा बसा जा तो शायद पोन करे अच्छा कुछ सवाल आ है ता जो दिसना प्रोग्राम जे हवाले सा या ओवरऑल? अच्छा सब खा पे जो त वेलकम बैक ता के दिसी ते दादी खुशी थी। थैंक यू प्रोग्राम मेहरबानी मानी गुड थी वे ला के खुश रखन दवा बाद आई सब खा आवाज से आवाज तां जी सही ना पई अचे तां वरी कॉल हेलो तां जो आवाज थोरो आस्ते कट जी पियो अचे। हेलो जी हां ठीक आवाज छा पे चो अदा सबक या गाल चवरी ते रिपीट टाइम ते भी जरूर हलाए वने रिपीट कोने तो थे प्रोग्राम। अच्छा ठीक आ तां उनके YouTube ते सर्च कियो असा जो शाम ते या रात ते अपडेट थी विंदो प्रोग्राम YouTube ते तने करे जे के जका आसानी थे तो ने हिसाब सा नखे तां वरी वरी दिसी सको ता। आजकल सबने मोबाइल आ है सबने पैकेजेस अन ता YouTube पे दिसी सको ता जेनी मल दिल चवे
ओडी मल ॾिसी सघो था। वरी महिरबानी अदीसा न वरी महिरबानी वरी इनशा ताला इहा तव्हांजी कॉल हमेशह असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदी। हाणे अचो उन सां पंहिंजे असल टॉपिक ते। जी हुमैरा, तो आप बता रही थी कि मेंटल जो हेल्थ हुई है इस वजह से, डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से, तो इसको किस तरीके से हम रिकवर करें, इसको किस तरीके से ठीक करना चाहिए? उनसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके। देखो मेंटल स्ट्रेस माओं का फ़र्क है, बच्चों को फ़र्क तरीके से हुआ है, टीनेजर्स को डिफरेंट तरीके से हुआ है, फादर्स को डिफरेंट तरीके से हुआ है, तो सबका कोपिंग स्टाइल भी बहुत फ़र्क होगा। यू नो अब फादर्स को ज़्यादातर, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फाइनेंसिस का है, जॉब लूज़ करने का है या कोई बिजनेस खो देने का है। मदर्स को ये कि उन्हें घर भी चलाना है, उन्हें बच्चों को भी देखना है, फिर बच्चों का बच्चों की पढ़ाई की तरफ भी है। इस सब चीज़ को लेकर सबके इमोशंस बहुत हाइटेंड हैं, पिछले साल भी थे अभी भी है, सब एक दूसरे के नर्व्स पे चढ़ गए हैं, सब लगता है एक दूसरे के सर पर हो गए, बर्दाश्त करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। इस टाइम के ऊपर अगर आप ये दिमाग में रखो कि ठीक है जो हमारे साथ घर में हो रहा है वो नॉर्मल है, मतलब जो अगर तनाव आ भी रहा है, लड़ाई झगड़ा हो भी रहा है, अगर कोई अप्स एंड डाउन स्ट्रेस हो भी रहा है, लॉकडाउन की वजह से जो है सब एक साथ बैठे भी हैं, वो जो एक रूटीन चेंज हो गया है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, क्लब्स बंद हैं, पार्क्स बंद हैं, अब जाके थोड़ा ईज आउट हो रहा है, लेकिन लोग अभी तक उसी आई थिंक हैबिट के अंदर ही है घर बैठने के। कितनों को याद नहीं रहता कि बाहर बाजार खुला हुआ है और हम बाहर जा सकते हैं। सो एक अंडरस्टैंडिंग अगर सब में जनरली आदमी औरत हो बच्चों सब में आ जाए कि चीज़ जिस कैफियत के थ्रू हम गुजर रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये जो स्ट्रेस है ये नॉर्मल नहीं है। तो इसी स्ट्रेस की वजह से आपके पास क्या पेशेंट्स आते थे? काफी आए, इसलिए मैं बच्चों का भी इसलिए स्ट्रेस किया, कुछ टीनेजर्स बहुत आ रहे हैं, यू नो 19-20 की एज में बहुत आ रहे हैं, 11 ईयर ओल्ड आ रहे थे, तो इतने और सबके तकरीबन मोर और लेस इश्यूज वही थे, घर बैठे हुए दोस्तों से नहीं मिल सक रहे, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, फादर्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो इस चीज़ के अंदर आप सबको एक दूसरे को स्पेस देनी है, ज़रा समझना है कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है और ये मूड स्विंग्स होंगे, स्ट्रेस होगा, तो इसको जिससे एक सब बेहतरीन तरीके से खुद ही डील कर सकें उसके ऊपर भी फिर हम आगे बात कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस होना, डिप्रेशन में जाना या बहुत ज़्यादा एंशियस फील करना, ये आजकल हो रहा है। ये तो आप बात करिए टीनेजर, मेरा बेटा 9 साल का है, उस दिन मैं बड़ा हैरान हुआ तो घर में जब वो बोर होके मुझे कह रहे बाबा मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मैंने कहा तुम्हें डिप्रेशन का क्या पता है, डिप्रेशन क्या, मतलब मैं क्या करूं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? अच्छा बच्चे पिकअप करते हैं तो ये जो वर्ड्स घर में अगर चल रहे हो ना, या कोई बाहर से भी सुने कि डिप्रेशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, मैं बोर होना, मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग और बड़ा शॉकिंग था। गया 9 साल का बच्चा अगर इस तरह से बोले कि डिप्रेशन, तो ये इसको क्या पता डिप्रेशन क्या, मतलब फिर इंसान आई थिंक डाउट पे भी आ जाते हैं कि शायद हो भी रहा हो, शायद इसको पता भी हो, लेकिन 9 साल की इस बच्चे को मालूम होना कि डिप्रेशन क्या है इज अनलाइकली, बिकॉज छोटे हैं, वो शायद बोरियत को भी डिप्रेशन बोले, वो शायद बिल्कुल ही दिल तंग आने को भी शायद डिप्रेशन ही बोले, तो उनको पता, बट वही बात है आप जो घर में जो वर्ड्स यूज करेंगे बच्चे पिकअप करेंगे, आप जो घर में बिहेवियर शो करेंगे बच्चे पिकअप करेंगे, अगर आप गुस्से में बार बार आके चीज़ें मार रहे हैं, दरवाजे बंद कर रहे हैं, चीख रहे हैं, बच्चे स्पेशली 8-9 साल के दे विल थिंक दिस इज नॉर्मल, वो कहेंगे गुस्से में या टेंशन में चीखना नॉर्मल बात है तो हम भी कर लेंगे, उठा के कुछ फेंकना नॉर्मल चीज़ है क्योंकि हमारे माँ बाप करते हैं, तो यानी ठीक करते होंगे कि माँ बाप तो रोल मॉडल है तो हम भी उठा के फेंक देंगे। तो बच्चों के सामने खास तौर पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, अपने लफ्ज़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे ही फिर बच्चे उठा लेते हैं, इसी टाइप के वर्ड्स उठा लेते हैं और फिर वो उसके साथ मतलब ना भी पता हो लेकिन वो फिर खेलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा डिप्रेशन का रेशियो कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ता जा रहा, रिलेशनशिप हो चाहे बच्चे हो टीनेजर्स हो हर तरह के लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, उनसे हम जितना आई थिंक वर्चुअली कनेक्ट हो गए ना उतना फिजिकली डिसकनेक्ट हो गए हैं। वर्चुअली जितना हम फेसबुक पे व्हाट्सएप के ऊपर और जितने भी सोशल फोरम्स हैं ये तो एक्टिविटीज हैं, हमें इससे हमें क्यों इतना स्ट्रेस हो रहा है मुझे ये समझ नहीं, बिकॉज यू सी आप व्हाट यू आर शोइंग ऑन सोशल मीडिया इज नॉट एग्जैक्टली हु यू आर। आप अपनी बेस्ट तस्वीर लगाओगे, आप अपना बेस्ट खाना लगाओगे, आप अपना बेस्ट घर का हिस्सा लगाओगे, हम हमेशा अपनी बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं, उसको अगर कोई देख रहा है जो बेस्ट नहीं है डाउन तो फील करेगा ना, कोई अपने बेस्ट ग्रेड्स लगा रहा है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये तो ग्रेड्स में कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, मैं तो बी भी नहीं ला सक रहा, डिप्रेशन होगी ना, कॉम्पिटिशन होगा बिल्कुल, और वो वर्चुअली है सारा। आप फिजिकली किसी से बैठ के मिलो, आप 4 दफ़ा मिलो, आपको समझ में आ जाएगा किसकी क्या स्ट्रगल्स हैं, लोग अपनी स्ट्रगल्स कभी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाएंगे, बहुत कम। Exactly. तो फिजिकली जो डिसकनेक्ट हो गए हैं लोग वो वर्चुअली अगर कनेक्ट भी हो गए हैं
यू नो फेसबुक पे विश कर लिया बर्थडे का काफी है जो कर तो लिया है या किसी की डेथ हो गई तो अफसोस कर लिया हो गया यस तो वो पहले ही गमजदा था और अब अकेला हो गया जब दुख की घड़ी में उसको लोगों की जरूरत थी अब फेसबुक पे जी मैंने तो वो कर लिया था ना प्लीज एक्सेप्ट माय कंडोलेंस और ये हो गया तो यही बात है आप वर्चुअली तो कनेक्ट हो रहे हो फिजिकली डिसकनेक्ट हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कोविड ने आपको और डिसकनेक्ट कर दिया है आप अपने लव्ड वंस के जो जिनकी डेथ हो गई थी उनके आपने जनाजे मिस किए आप उनके अफसोस पे नहीं जा सके आप उनकी तदफीन पे नहीं जा सके तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा है कि उनके अपने घर वाले बच्चे ट्रैवल नहीं कर सके अपने पेरेंट्स की तदफीन के लिए सो नो इस टाइप का भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा व्हेन देयर इज अ लॉस जब आपका चाहे वो बिजनेस लॉस हुआ है चाहे आपका कोई चहिता जानने वाला आपका पेरेंट हो आपका बच्चा हो कोई भी लॉस हो यू नो यू वर नॉट देयर आप पहुंच नहीं सके तो इसका भी काफी अच्छा, मेरा ये चीजें तो आपने बताई कि ये प्रॉब्लम है ये हो चुका हमारे साथ ओवरकम कैसे किया जाए इन चीजों पर ओवरकम सजात करने के काफ़ी सारे तरीके हैं देखो एक तो जैसे मैंने कहा आप अपने आप को आप समझो के हो क्या रहा है सो अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कहीं सुनाई बात के ऊपर किसी फॉरवर्ड के ऊपर आपने असल में एक हमारा मसला भी कि हम खाली हेडलाइन पढ़ लेते हैं और हम हेडलाइन पढ़ के किसी भी न्यूज़ का समझते हैं कि हमें पता है अंदर क्या लिखा है हम पूरी खबर नहीं पढ़ते तो एक ये शॉर्टकट की भी बहुत हम सबको यही आदत होगी कि हमने हेडलाइन पढ़ के बोला ओ फ्लाइट बैन हो गई ये नहीं पता कि होने वाली है या हो चुकी है पूरा पढ़ लो तो आपको एजुकेट हो जाओ आपको इन्फॉर्मेशन पूरी हो सो पहली चीज़ आई वुड से एजुकेट योरसेल्फ आपने वैक्सीन कौन सी चाहिए है आपको कोविड में क्या करना है अपने आप को खुद एजुकेट करो अपने घर के सर्कल को करो बल्कि आप फॉरवर्ड के ऊपर एक यकीन करो दूसरे को भी इससे डराओ दूसरी चीज़ है कि अगर स्किल बेस्ड के ऊपर मैं बहुत यकीन रखती हूँ आप नौकरी कुछ करो आपका ये काम आपका एक स्किल भी होना ज़रूरी है स्किल सेट इसमें तो हमें बहुत पता चला कि किसी एक चीज़ पे इनकमिंग पे डिपेंड नहीं करना चाहिए बंदे के पास मुख्तलिफ चीज़ें हों कि भाई आपने करना क्या है और कौन कौन से तरीके आमदन के एक से ज्यादा जराए हों तो वो बेहतर है इसलिए हमें सिखा दिया सारी जिंदगी के लिए बिल्कुल उसके लिए भी और वैसे अपने अपने आप को मसरूफ रखने के लिए भी यू नो थोड़ा बहुत तो आप जैसे लोगों ने बहुत होम बेस्ड बेकिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया कुछ ने कपड़े स्टार्ट कर लिए कुछ ने खाना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर ली लेकिन ठीक है इफ़ नॉट इवन फॉर फाइनेंसेस मैं कहती हूँ अपने आप को आप बिजी रखने के लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी मैंने लास्ट ईयर लॉकडाउन में सीखी है मजबूरी थी इसलिए कोई आ नहीं रहा था स्टाफ आप हमेशा से शुरू से हमेशा लग्जरी रही है शुक्र है कि कोई आके पका दे कोई नहीं भी पकाता था हम बाहर से मंगवा लेते थे टाइम नहीं होता था इस बार लेकिन उसको भी सीखते हुए सिर्फ इसलिए नहीं सीखा कि मैंने बाहर बेचना था मैंने इसलिए सीखा कि ज़रूरत पड़ गई और फिर मज़ा आया इन्जॉय किया कोई भी इस टाइप की आप स्किल उठा लें चाहे वो कार्पेंट्री हो सिंगिंग हो कुछ भी हो यूट्यूब से देख लें फ्री कोर्सेज ले लें तो इसको फाइट करने का एक ही दूसरा तरीका है काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई कि ख़ासतौर पर ख़वातीन ने घर में बैठ के अर्निंग के तरीके सीख लिए बिल्कुल मैंने तो काफ़ी इसको अगर हम पॉजिटिव वे में लें बिल्कुल तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी लड़कियों ने जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ तो उन्होंने घर में बैठ के अच्छी खासी अर्निंग शुरू कर दी ऑनलाइन क्लासेस देना लेना कोर्सेज करना और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करके और खुद को एक्टिव तौर पे उसमें इन्वॉल्व करके और पैसे कमाना शुरू कर दिया बिल्कुल तो ये पॉजिटिव देखिए दो तरीके हैं या आप डिप्रेशन में सैड होके बैठ जाओ कि हम क्या करें हमारे हमें मसला या आप प्रॉब्लम लेके बैठ जाओ प्रॉब्लम बेस्ड बन जाओ या आप सोल्यूशन बेस्ड बन जाओ कि सोचो हमने करना क्या है इसलिए मैं कहती हूँ आई डोंट थिंक दुनिया में कोई ऐसा इंसान है चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो जिसके पास कोई सलाहियत ना हो कोई स्किल ना हो वो अगर ढूंढें अपने आप को टेस्ट करें जाकर आई एम श्योर कोई ना कोई स्किल सबके पास ज़रूर निकलेगी तो ये स्किल ढूंढना बहुत ज़रूरी है तीसरी चीज़ जो मैं लोगों को बहुत बोलती हूँ रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस अच्छाई सिर्फ अपने लिए नहीं अपने साथ वाले के लिए अपने नेबर के लिए अपने किसी जानने वाले के लिए कोई भी आप ऐसी अच्छाई कर दो जिससे आपको भी खुशी हो और उसको भी खुशी हो खुशी भी जब हमें मिलती है ना ऐसे काइंडनेस के एक्ट से या किसी को खुश करने से उससे भी हमारे हॉर्मोन्स बढ़ते हैं अब आप एक चीज़ देख लें अगर आप दोनों किसी के लिए कोई अच्छा काम करें किसी को कोई फूल भिजवा दें किसी से कुछ बात कर लें किसी की मदद कर लें खुद कितनी खुशी होती है अंदर अगले को तो होती होती है बट इट्स वेरी कंटेजियस बिल्कुल इस तरह कहते हैं ना 100 से खून बढ़ जाता है तो आपके हॉर्मोन्स के लिए ये भी बहुत अच्छा है आपकी मेंटल स्टेट के लिए आपकी साइकोलॉजी के लिए कि आप अगले की भी मदद करो और आप अपनी भी मदद करो सो चेंज करना चाहिए उसमें मैंने छोटे से अमल शुरू कर दिए अपने आप से मैंने कैंडीज रखी है अपनी गाड़ी में और टॉफी और सारी चीजें तो अब मैं लोगों को पैसे देने की बजाय अगर वो देता हूँ तो उसके तासुरात बदलते हैं
बनस्पति पैसों के मैंने किसी से इवन टॉल में क्रॉस किया, उसने अगर टिकट दी मैंने बदले में टॉफी दे दी, तो उसके चेहरे पे जो वो थोड़ी देर के लिए मुस्कुराहट है उसका मूड चेंज होता है। बिल्कुल, और मेरा भी मूड चेंज हो जाता है उसको देख। बिल्कुल, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। और यही बात मैं सुझाव कही थी मिररिंग की, जो मैंने शुरू में कहा था ना कि बच्चे भी देख के सीखते हैं, इट्स कॉल्ड मिररिंग। अगर आप किसी बहुत ही खुश इंसान के साथ रहोगे पॉजिटिव, तो आप ऑटोमेटिकली खुश और पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिव वाइब्स कन्वर्ट होती हैं। आप नेगेटिव या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट, किसी रिलेशनशिप में रहोगे तो आप खुद टॉक्सिक और नेगेटिव फील करोगे। सो ये मिररिंग पार्ट जो है ना, आप अपने खुद भी क्रिएट कर सकते हो। यस, देर आर सम पीपल जो कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ सिचुएशन में फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते, बट देन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव अगेन द ऑप्शन कि वो अपने लिए कुछ पॉजिटिव करके और उसको मिरर करें। आप वो उस बच्चे ने स्माइल किया, आपने उसको देख के मिरर किया, ये शीशे में अक्स नहीं आता उसको, इसलिए मिररिंग कहते हैं। तो आपने भी स्माइल की, अब आप घर जाके शायद किसी को बताओ कि ये हुआ, शायद कोई और भी स्माइल करे, तो एक वो चेन रिएक्शन टाइप शुरू हो जाता है। आई थिंक इन स्ट्रेसफुल टाइम्स में स्पेशली कराची में रहना आसान नहीं है, यू नो, आई थिंक हमारे प्रोविंस में ही पूरे गर्मी और जो फिर कभी कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, मतलब लाइफ के। इसके अंदर अगर आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिल जाए, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, किसी ने शीशा नीचे के आपने टॉफी दे दी, दैट्स सो प्रीटी, दैट्स सो ब्यूटीफुल। आई थिंक डिप्रेशन की जो एक सीवियर जब हो जाता है तो मेडिसिंस भी लेना शुरू कर देते हैं, तो उसको अगर मेडिसिन ना लें और उसके अलावा कोई और थेरेपी है उनसे। देखो डिप्रेशन भी सब, जैसे आपके 9 साल के बच्चे ने बोला, बहुत जनरली क्लासीफाई करते हैं ये वर्ड, हम ऐसे फेंकते हैं, यू नो कि डिप्रेशन हो रही थी मुझे रात को। डिप्रेशन के भी डिफरेंट अक्साम, बाइपोलर पे जाएं तो डिफरेंट है, बिल्कुल बाइपोलर है, और यू नो क्लिनिकल डिप्रेशन है, देयर इज हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस भी, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस भी। जरूरी नहीं कि डिप्रेशन में कि आप रात भर सिर्फ सैड ही रहे और सोते रहे, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी लोग होती है जो दिन में हम जैसे नॉर्मली बात करें, मिले विले, रात को जाके फिर व्हेन दे गो बैक होम तो असल डिप्रेशन तब डाउन पना किक करता है, फिर वो सुबह अपना आपको उठाते हैं, सबसे मिलते विलते हैं, बट व्हेन दे गो बैक होम अकेले में दे आर वेरी डाउन एंड डिप्रेस्ड। सो एक ये हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन होती है, क्लिनिकल डिप्रेशन होती है, जेनेटिक डिप्रेशन होती है, जो कुछ को खानदान पुश दर पुश चलती आती है, फादर्स ग्रैंडफादर्स, तो ये भी आपको थ्रेड देखना पड़ता है कि जेनेटिकली तो नहीं आ रहा। यस, कभी कभार इट कुड बी सीजनल डिप्रेशन, यू नो कि कुछ लोगों को मौसम के चेंज होने से होता है, बारिश से सर्दी से, पोस्टनेटल डिप्रेशन होती है, औरतों को डिलीवरी के बाद हो जाती है। सो नो ये चीज़ें कपल्ड विथ कोविड एंड एवरीथिंग एग्जैजरेट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। बट डिप्रेशन के जैसे मैंने कहा डिफरेंट एग्जाम है, आप हर एक को एक तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। क्लिनिकल के लिए शायद आपको साइकाइट्रिस्ट और मेडिकेशन की ज़रूरत पड़े। दूसरी जो आपको डिप्रेसिव अगर सीजनल है या कुछ छोटे वाली है, वो आपकी शायद थेरेपी से ही ठीक हो जाए, या दोस्तों से मिलने से, या अपने आप को मोटिवेट करने से, रूटीन चेंज करने से, बिल्कुल रूटीन से चेंज हो जाए, सेल्फ हेल्प टेक्निक से हो जाए। तो हर चीज़ एक किस्म की नहीं है। असल में हमारे यहाँ कभी बार विद लैक ऑफ बेटर नॉलेज लोग गलत इंसान के पास भी चले जाते हैं। अगर डिप्रेशन हो रही है या कर स्ट्रेस भी फील हो रहा है, वो शायद किसी डॉक्टर के पास चले जाए और मेडिकेशन मिल जाए, शायद उसको मेडिकेशन की ज़रूरत ना हो। तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो, या आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो, कौन सा बंदा किस काम के लिए होता है। फील्ड तकरीबन यू नो एक साउंड सबकी सही करती है, सेम करती है। काउंसलिंग तो सभी करते हैं ना, काउंसलिंग आप सब कर सकते हैं, कोई कोचिंग भी करते हैं लोग। थेरेपिस्ट के जरिए क्या ऐसी चीज़ें, इसी साइकोथेरेपी व्हाट वी डू इज मोर डीपर बेस्ड और लॉन्ग टर्म। लोग आके कभी पूछते हैं कि हमें कितने सेशन लगेंगे, एक सेशन एक घंटे का होता है, कि हम 3 सेशन में ठीक हो जाएंगे। सेशंस में होता क्या है? इट्स टॉक थेरेपी, यही मैं आपको बता रही हूँ। साइकोथेरेपी जरा आपके डीपर पुराने इश्यूज को लेके सामने आती है, फोबियास वगैरह, उससे यस, आपके चाइल्डहुड वुंड से, आपकी प्रॉब्लम से हम पीछे जाके निकालते हैं, ब्रोकन फैमिलीज बचपन से, मे बी यस, डिप्रेस्ड है, एग्जैक्टली पेरेंट्स का माजी, शोहर के रवैये, यस, बीवी का लहजा, आपके अपनी है, आपके अपने इश्यूज हैं, आपके अपनी यू नो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, जो कोचिंग और काउंसलिंग थोड़ी ऊपर के लेयर की, वो आपको सरसरी ऊपर वाली सिचुएशंस को डील करके टेम्पररीली या परमानेंटली भी ठीक कर सकती है। हमारा काम थोड़ा लंबा होता है, हम थोड़ा पेरेंट्स की तरफ जाते हैं, चाइल्डहुड पैटर्न्स की तरफ जाते हैं, बिहेवियर्स क्या थे, बचपन में आप क्या करते थे, वो अभी आपकी कौन सी आदत रह गई है। शायद आपके जैसे 9 साल के बेटे ने अगर अभी बोला है कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, और कोई भी उसकी कोई आदत है, अगर यही चीज़ आई एम नॉट सेइंग गॉट रिबिट पक्की हो जाएगी, लेकिन अगर बड़े होकर उसकी कोई हैबिट रही, तो देन इन फ्यूचर वी कैन हैव सम इन्फॉर्मेशन ओवर हियर कि जब आप छोटे थे तो हाँ मैं 9 साल की उम्र में मैंने अपने अब्बा को बोला था मुझे डिप्रेशन हुई है,
तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम वेन वी कैन पिक अप समथिंग कि उसको 9 साल के ऊपर इसको पहला ये वर्ड पता था. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इन देयर. आप हिप्नोटिज्म से भी करते हैं? नहीं, हिप्नोटिज्म इज डिफरेंट. दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग. द फील्ड फर्क है. हम लोग उसमें भी तो इसी तरीके से आपको जो है जो होता है पास्ट मिले जाते हैं, पास्ट मिले जाते हैं और फिर बातें पूछते हैं, वही चीज़ होती है. असल में काम वही है कि जितना पास्ट में जाकर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ना, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी सप्रेस्ड. जो चीज़ें सरसरी तौर पे हमें नज़र आती हैं कि ठीक है कोई आई है, लेट्स से कोई 20 ईयर ओल्ड आया है, क्या मेरे माँ बाप बहुत लड़ते हैं, यू नो, या कोई 40 ईयर ओल्ड भी आया है, क्या हाँ मेरी अम्मा मुझे टाइम नहीं देती थी या मेरे अब्बा मुझे मारते थे. इन चीज़ों से भी बहुत इन्फॉर्मेशन फिर आपकी निकलती है. फिर आप वो डीपर जा के कि आपका अपना पैटर्न क्या था. That's why it takes time. इसलिए एक घंटे के अंदर आप किसी को ठीक नहीं कर सकते. क्योंकि अगर हम इसको शुरू से लें तो मिजाज चेंज, स्कूल ऑफ थॉट चेंज, लोगों की शादियाँ, फिर उन लोगों के रवैये एक दूसरे के साथ, बच्चे हो गए, बच्चों ने अपने वालदेन को देखा, उनकी तो बनती नहीं है, उन्होंने हमें ना टाइम दिया, हमें नहीं किया, हमें कुछ और करना चाहिए, तो फिर अटैचमेंट अलग अलग से, फिर वो अटैचमेंट्स होती हैं, रिग्रेट्स होते हैं, यू नो, देयर सो मेनी थिंग्स डाउन देयर. बहुत अच्छा, एक चीज मियां बीवी आजकल इस दौर में कंपटीशन में इनकी रिलेशनशिप में वो जान कहीं कहीं नजर आती है. बाकी 95% जो है हमें लगता है कि पड़ोसी या बहन या हमारा बहनों या हमारे कजन या मेरे वो बहुत खुश हैं, हम लोग खुश नहीं है. हालांकि देखा जाए तो ये 100% पे चला जाएगा रेशो, लेकिन हमें ये नजर आता है कि फला फला जो कपल है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा कजन, ये बहुत खुश है. वो मियां बीवी तो मिसाली है. हम लोगों की कभी नहीं तौर पे ऐसे ही फील होता है. बिल्कुल वही बात है ना, जाहिरी तौर पे. इसको क्या कहें, हम क्या करें, कैसे? सबसे पहले तो मैं कहूंगी कंपेयर करना छोड़ दें. सबसे बड़ी गलती जो हमारी जिंदगी की होती है कंपेयर करना. अच्छा, सो एंड सो इतना खुश है, उसने इतना कमा लिया, उसकी स्किन इतनी अच्छी है, वो इतनी दुबली है, वो इतना खूबसूरत है, उसको इतने कमाई में पैसे हैं. इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, मैंने येल की स्टडी की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ येल की, साइंस ऑफ वेलबींग के नाम से. उसमें साइकोलॉजी थोड़ा सा हट की चीज़ें थी. बड़ी बड़ी अच्छी बात हुई थी कि आपका रेफरेंस पॉइंट कौन है. अगर आप एज अ टीवी होस्ट अपने आप को किसी बैंकर सीईओ से कंपेयर करके बोले कि उनकी तनख्वाह अच्छी है, गलत हो जाएगा. या कोई लेट्स से अगर इफ देयर इज समबडी हु इज गॉट अ स्मॉल स्केल बिजनेस और वो अपने आप को आपसे कंपेयर करे कि इनकी बड़ी लैविश जॉब है कि टीवी पर आते हैं, वो कंपैरिजन गलत हो जाता है. सो ये जो कंपैरिजन है ना, इसको थोड़ा सा कट डाउन करना है. व्हाट आई इनवाइट पीपल टू डू इज कि आपको कंपेयर करना है तो आप अपने आप को अपने आप से कंपेयर करो कि हम पिछले साल क्या थे, पिछले साल मेरी मेंटल स्टेट क्या थी, आज मेरी मेंटल स्टेट क्या है, पिछले साल मैं काम में कितनी बेहतर थी, आज मैं काम में कितनी बेहतर हूँ, पिछले साल मैंने कितना वैल्यू एडिशन किया था, अब क्या किया, इन माय रिलेशनशिप विद माय हस्बैंड और विद माय किड्स पिछले साल से इस साल में क्या बेहतरी आई है, पिछले महीने से इस महीने में क्या बेहतरी आई है, हमने क्या वैल्यू एडिशन की है, क्या वैल्यू ऐड की अपने घर में, अपनी रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में. अपने आप से कंपेयर करें, बाहर से करना छोड़ें. बाहर से आप कंपेयर करना छोड़ेंगे, आपके आधे मसले खत्म हो जाएंगे. फिर आपको जो खाला मामू चाचा जिसकी जो रिलेशनशिप है, आप बोलोगे वो अपने लिहाज से ठीक है, हम अपने लिहाज से ठीक है. सो ये एक बात का तो हम खुद इतने आर्टिफिशियल अच्छे हो जाते हैं कि लोग कहते होंगे यार क्या बात है, हम तो पता उसको चलता है. और मेल जो है वो अपनी मतलब वाइफ को कंपेयर भी करना शुरू कर देते हैं ना कि फलां की जो है इतनी एक्टिव है और हर चीज में स्किन कितनी अच्छी है, कितनी ग्रूम्ड है, और हमारे घर में जो ये हालात हैं. असल में वही बात है ना, उनसे सबकी रेस फर्क है, सबकी जर्नी फर्क है. कोविड में जैसे सबकी जर्नी फर्क थी, यू नो, कुछ के माशाल्लाह काम बहुत अच्छे चल गए, कुछ के काम ख़त्म हो गए, कुछ ने बहुत कुछ सीख लिया, कुछ ने कुछ नहीं सीखा, कुछ की शादियां बेहतर हो गई, कुछ की शादियां ख़त्म हो गई. तो आपकी सबकी जर्नी, हम सबकी हमारी अपनी है. मैं अपनी जर्नी आपसे कंपेयर नहीं कर सकती, आप अपनी किसी और से नहीं कर सकते. तो हस्बैंड्स का भी वाइफ को किसी और की वाइफ से कंपेयर करना कि वो सुबह उठ के ये सब करती हो, तुम नहीं करती. वो तो कितना मेरे घर वालों अपना अपने उनका ख्याल रखती हैं, ये करती हैं, आप तो कुछ नहीं करती, आप तो मेरे रिश्तेदारों के साथ वो करती हैं, आप जो अच्छाई हैं वो नजर नहीं आएंगी. जो असल में ये भी मैं कहूंगी, आपका अपना पैटर्न है, आपका अपना ह्यूमन पैटर्न है, ये आपकी वाइफ में प्रॉब्लम नहीं है. अगर ऐसा हो तो हम बोले कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि आपके लिए वो गुड इनफ नहीं है. हर इंसान अपने लिए तो अच्छा है, आई एम श्योर बीवी भी बहुत करूँगी, बट इसमें आपको क्या हो रहा है कि आपको लगता है अगले का बेहतर है इंसान या बीवी है कोई, या उसका
बहुत लायक है वो और आपकी बीवी लायक नहीं है, तो इसमें हम बीवी को नहीं देखेंगे। और बीवी को लोग क्या करते हैं, बीवी को मशवरे देते हैं कैस करो और काम करो और ये करो, लेकिन ऐसे अगर किसी शख्स किसकी किसी इंसान की शख्सियत ऐसी है या उसका बिहेवियर पर्सनैलिटी उसका मेंटल स्टेट ऐसा है कि उसको खुश करना मुश्किल है, तो वो बीवी कुछ भी बन जाए वो आई थिंक मियाँ शायद बोलेगा अब इसको और बेहतर करो, अब और बेहतर करो। सो इसमें ज़रा अपने आप को देखने की ज़रूरत है, बल्कि अच्छा मेन सवाल है मेरा जी, कैसे पता चले मुझे डिप्रेशन है, कैसे पता चले? ओके हाँ, ज़रूरी बात तो ये भी है, आई थिंक नॉर्मल जिंदगी से जब आप कटने लग जाएं, ओके, जब आप रुकने लग जाएं, जब आपको लगे कि हाँ मैं रोज़ सुबह खुश खुश उठती थी काम पे जाती थी लेकिन अब कुछ हो रहा है, काम भी सही है घर भी सही है, मेरे अंदर कोई चेंज आ रहा है, ओके, और वो डिटीरिएट करने लगे, जो चीज़ें आपको अच्छे लगने लगती थी पहले अब आपको वो नहीं लगने लगे, आपकी ज़िंदगी की रूटीन मामूल के मुताबिक जो चलती थी उसमें अगर गैप आने लगे या लैग आने लग जाए, ये थोड़े से वो साइंस हैं। लोग अपने आप का ख्याल रखना छोड़ देते हैं, कुछ एक ये भी साइन है, लोग दोस्तों से मिलना बंद कर देते हैं, बाहर निकलना बंद कर देते हैं। सो ये छोटे छोटे वो साइंस हैं, यू नो, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग, अपनी बच्चे यूनिवर्सिटी जाना छोड़ देते हैं, आदमी औरतें शायद काम पे जाना छोड़ें, रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दें, घर में खाने का स्टैंडर्ड वो ना रहे, सफाई का स्टैंडर्ड वो ना रहे, नॉट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, बिकॉज आपसे हो नहीं रहा। कभी कभार हम कहते हैं ठीक है दो दिन सफाई नहीं हुई घर में रहने दो कोई बात नहीं, यू नो, लेकिन अगर वो दो से चार से छः दिन आपकी नफ्सियात के ऊपर असर पड़ रहा है उससे करने से, आपसे उठा नहीं जा रहा बिस्तर से, आपका दिल नहीं लग रहा, आपसे किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा, बच्चों में इंटरेस्ट नहीं रह रहा, इस टाइप की जो मामूल के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही होती और गैप्स आने लग जाए तो फिर एक रेड फ्लैग होता है कि कुछ गड़बड़ होने लग रही है। तो ज़रूरी है कि हम मेडिसिन लेकर ही इसको? नहीं नहीं, लाइक आई सेड, अगर क्लिनिकली आप डिप्रेस्ड हो ठीक है और छः महीने से साल से ज़्यादा आपका पीरियड हो गया डिप्रेशन का, देन ऑफकोर्स मैंने कह रही कि साल तक आप वेट करो, बट यू नो कि सिक्स मंथ्स टू अ ईयर यू ट्राइड ऑन योर ओन और नहीं हो रहा। कुछ लोग अपनी विल पावर से भी इसको कंट्रोल कर लेते हैं, विल पावर से करते हैं हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जब तक उसको कंट्रोल किया जाए बिल्कुल उस चीज़ से तो हमें गुजरना पड़ता है, तो उसको किस तरीके से इनिशियल जो स्टेज होता है? सो यू सी आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है फैमिली सपोर्ट, अगर आपके पास फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट है तो आप बहुत लकी इंसान हो, बट अगर वही फ्रेंड्स और फैमिली आपको बोलते हैं कि कोई डिप्रेशन नहीं है तुमको तो क्या हर वक्त ही पड़ी रहती हो, हर वक्त ही तुमको तो यही हो रहा होता है, बहाना बना दिया है और ये नहीं हो रहा वो नहीं, बहाना बना दिया, झूठ बोल रही हो, फिर डिप्रेशन हो रही है तुमको, हम उन लफ्ज़ों से बातों से इंसान को और ख़राब कर देते हैं, उसकी ज़हनी कैफियत और ख़राब कर देते हैं। सो यू आर नॉट हेल्पिंग, या तो आप सिर्फ सुन लो इंसान की बात विच इज़ हेल्पफुल, जस्ट लिसन, मैं कहती हूँ आधा मर्ज किसी का किसी की बात सुनने से ख़त्म हो जाता है, हम अपने काम में क्या करते हैं हम सुनते हैं, हमें जल्दी नहीं होती कि नहीं मैं कह रही हूँ ऐसे करो एडवाइस देने की, इसीलिए सो ये ट्रेनिंग भी करना ना कि किसी की बात सुन लेना, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस ना देना, अगले को जो चाहिए आप वो सुनो वो प्रोवाइड करो। अगर कोई कहता है मुझसे नहीं हो रहा काम, मुझे दवाई की ज़रूरत है, मुझसे बिस्तर से 6 महीने हो गए हैं, मुझसे नॉर्मल रूटीन पे लाइफ नहीं आ रही, साल हो गया मैं फंक्शन नहीं कर सक रही, तो आपको पता है कि शायद दवाई की ज़रूरत हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको बुखार है, आपने दवाई खा ली, 3 दिन तक आपका बुखार ठीक हो गया, आपको पता है सही हो गया, 3 दिन से ज़्यादा चल गया, आपको पता है आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, कुछ मसला है ना, तो बस आई थिंक मेरे ख्याल से आप तो जहाँ भी जाती होंगी तो आपसे तो ये सवालों की बुखार होती होगी, क्योंकि ये दुनिया की मेरे ख्याल से अभी 4th नंबर पर या 3rd नंबर पर सबसे बड़ी जो बीमारी उभर के आई है वो यही डिप्रेशन और स्ट्रेस, एब्सोल्युटली एंजाइटी और ये सारी चीजें हर कैटेगरी हर कैटेगरी, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। मैं तो ये कह रही हूँ कि डिप्रेशन को रिलीज करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए हमें किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए फौरन से, या किसी दोस्त से बात कर लेनी चाहिए उनसे, आइडियली तो यही होगा लेकिन नहीं होता लोगों से। हम कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कर लो, नमाज पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो, यस बातें सब ठीक है बिल्कुल सही है, लेकिन आप जिसको एडवाइस दे रहे हो, आप जिसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, जब वो उठ के उससे दांत ब्रश नहीं हो रहे, मुंह नहीं धोया जा रहा, घर फंक्शन नहीं हो रहा, खाना नहीं खाया जा रहा, वो कैसे उठ के एक्सरसाइज करेगा? हाँ, मेरे पास भी ऐसे काफ़ी सारे आते हैं क्लाइंट्स जो यही डिप्रेशन, और क्योंकि कभी कभी इतनी ज़्यादा कुछ अवेयरनेस कम होती है या सिवियरिटी ज़्यादा होती है,
तो वो लोग जो काउंसलिंग भी उनको आधा मतलब 80% जो है उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, लेकिन जो समझाया जाता है वो करते नहीं, करते नहीं है. कुछ में विल पावर नहीं होती, कुछ में फिर वो हिम्मत पैदा नहीं होती है, या वो इतने ज्यादा डिप्रेस और मायूस हो जाते हैं कि नहीं वो चीज़ जो होगी नहीं, हो ही नहीं सकती. हाँ, हम कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं होगा, फायदा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता. सो इन्हीं चीज़ों के लिए फिर आई थिंक हमारी ट्रेनिंग ज़रा फर्क होती है कि हाउ वी कैन. बट येस देन एवरीबडी डजंट टर्न अप अगेन एज़ वेल. जिसने नहीं करना वो नहीं करेगा. फेस्ट में डिफरेंट है, हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा सा किचन की तरफ भी जाते हैं. बिल्कुल चलते हैं, आज यखनी पुलाव बन रहा है जी. यदि नसीम हदा चावर भी जी शरीयन में सुठो के तो हां, अगर जल्दी कान कर ला यखनी तैयार थी वे जको ता स्टॉक पे ठायो. हां, वो स्टॉक ठाए पो उन में काफी देर लग रही कलाक, यानी के स्टॉक ता चिकन के छड़े दियो. चिकन वाला 30 मिनट या 25 मिनट से जो. अच्छा, यानी के जो बीफ और सूप है ना वो निकरी वने. हां, बीफ और ना उन के थोड़ो टाइम लगनो आ. अच्छा, जाहिर है बीफ और जो हदा उन मा निकरे ना वो जका रास्ता पूरी सही. इन जो मा 30 मिनट में यखनी ठाई पो उन में मसालो सजो ठाए, टमाटा वमाटा दही बसर जो ब्राउन करे. हाँ. सावा मिर्च पोन जो को मसालो हो ना इन जो यखनी वारो को ऐड कयो वा, छो जो ठाई ते ठाई नता सगो असा यखनी जो मसाले के को ऐड करे पोन में यखनी जो ही पानी जो को हो वो विझी पो वरी चावर बॉईल कर दाने बॉईल थन पे चावर असन. अदर मेहताब ता ले इंटरेस्ट सा दिसो पे यखनी पुलाव लगे इंतजार पे कयो कदी खद यो केन में ले कंप्लीट थे तो कंप्लीट कर के खाइदा. अच्छा, ता न्यूज़ पढ़ने पढ़ने के डिप्रेशन में ले एड़े किस्म ये खबरों चल दियो. ही थियो डाडो दुखियो होंदा है ता पजे फीलिंग्स के कंट्रोल करे और मौत की खबरें सुनाना कि एकदम वहाँ पे एक खबर, उसके बाद अपने मूड को चेंज करके फिर हम चले गए कि एक्सीडेंट हो गया. अच्छा, महसूस कर रहा है काफ़ी दफ़ा ही थोड़ा सा जादवा. अच्छा, बिल्कुल. पर ये थी तो उन दौरान जहरी गाल सिचुएशन में इन्वॉल्व तो थी वो उन वही प्रेजेंट जो है असानी सूरत थाल उन में वापस अचो हों. काफ़ी खबरों अड़ी हूँ वो स्क्रिप्ट अड़ा हूँ उन्होंने जहाँ न चाहे भी मूँ उन में इन्वॉल्व थी तो वे. सही है, हाँ तो पक्का थी आओ. पक्का थी आओ. डॉक्टर वांगुर जी डॉक्टर वट पेशेंट इंदा जख्मी इंदा असा शायद ना दिसि सकौ पर हो कंदा बाबा ने ही करे छले ने ही करे छले ता वट मा समझा तो इतरो स्ट्रांग थन के पे न्यूज़ कास्टर के तो ओली भले ही बहुत स्ट्रांग रखन गुरजे ताकि इन शयन जे असर ना पवे दिमाग ते. अच्छा, केतरा भी स्ट्रांग थियो ना को भी वरी हाने सवाल एकड़ो आयो मखे ता जी डिस्कशन जे दौरान तो मा जो मैम का पूछू ता डिप्रेशन पो डेंजरस केतरो आ केतरो खतरनाक साबित थी सके तो जेकडे मानू जी काउंसलिंग भी न थे मानू के खबर भी न पई जी सके किसी को पता भी नहीं है. बिल्कुल, वो वैसे ही रूटीन में अपनी लाइफ के साथ जा रहा है किसी से कंसल्ट भी नहीं कर रहा और डिप्रेशन में भी है तो ये डेडली कितना साबित हो सकता है और कितने टाइम तक के लिए मतलब लॉन्ग रन में. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि जब सेल्फ हार्म की तरफ आप आ जाएं खुद को हार्म करें लोग अपने आप को एक्स्ट्रा गोलियां खाने शुरू करते हैं वो भी सेल्फ हार्म होता है. नींद की गोलियां लोग अपने आप को काटने लगते हैं. लोग अपने आप को खाने से बिल्कुल डिप्राइव कर देते हैं बॉडी को. ज्यादा भी खाते हैं कॉफी या ज्यादा खाते हैं. यस, डिप्रेशन में ज्यादा खाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है या एनोरेक्सिया हो जाता है. सो जहां आप अपनी बॉडी को सेल्फ हार्म करो या किसी इसी प्रोसीजर के थ्रू गुजारो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रेड फ्लैग के कुछ गड़बड़ है. सो ये टुवर्ड्स कुछ लोग तो सुसाइड करने की भी कोशिश करते. एग्जैक्टली, लास्ट ईयर आई थिंक एक दो दूसरे मुल्क के एक्टर्स का भी आया था जिन्हें डिप्रेशन में सुसाइड कमिट कर ली थी. अ लॉट ऑफ वेस्ट में एक्टर्स कॉमेडियंस हुव कमिटेड एक्सक्यूज मी सुसाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. सो इट्स दैट रियल, यू नो, ये छोटी चीज़ नहीं है. और कोई इतना जैसे मैंने कहा ना लोग बिल्कुल डिस्कार्ड कर देते हैं कि छोड़ो कोई डिप्रेशन नहीं है. किसी को डिस्कार्ड ना करें बिकॉज यू नेवर नो आपके डिस्कार्ड करने से या किसी को इनवैलिडेट करने से उसका सिचुएशन और ख़राब हो जाए. अच्छा, वैसे नॉर्मली आपने क्या देखा कि ख्वातीन में ये रेशो ज़्यादा बढ़ता है या मर्दों में? ख्वातीन आई थिंक आराम से बोल सकती हैं, मर्द आराम से एक्सप्रेस नहीं करते. मर्द में थोड़ा सा एक होता सबको है लेकिन मानता कोई कोई है. बिल्कुल बिल्कुल, वो मर्द जरा डिफरेंट तरीके से आई थिंक एक्सप्रेस करेंगे उसको या बिहेव करेंगे. अपना डिप्रेशन सारा घर पे उतार. ख्वातीन जरा डिफरेंट तरीके से करेंगी. ख्वातीन शायद कभी यू नो बच्चों पे डांट दें, स्टाफ पे अपने कर लें. उनको एक ही डिप्रेशन उतारने के लिए ना एक ही बंदी मिलती है. और मर्दों को यस, फिर ऑफिस में भी आई एम श्योर मिलते होंगे लोग. अ लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस कि लोग फिर वो कभी कभार डिप्रेशन गुस्से की सूरत में भी निकल कर आता है.
सो इसीलिए वो गुस्से के तौर पे निकलता है. जब हम कहते हैं ना कि घर पे आके निकालते हैं या बीवियों पे या बीवियाँ शोहर के ऊपर या बच्चों के ऊपर, बिकॉज वो फिर स्ट्रेस एंजाइटी आपका कभी एंगर में भी बदल जाता है और एंगर इज़ अ डिफरेंट कम्प्लीटली फील्ड ऑल टुगेदर. अच्छा, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या करें? जी, आई थिंक रिस्पेक्टिंग ईच अदर स्पेस एंड बाउंड्रीज, लिटरली, जो हमारे यहाँ बिल्कुल आई थिंक कॉन्सेप्ट कभी नहीं होता. क्या जरूरत है माँ के घर जाने की? आपको क्या जरूरत है दोस्तों के साथ हर वीकेंड पर जाने की? नो, बीवियों का भी होता है, बीवियों का तो अक्सर होता है, एंड इक्वली आई थिंक बराबर है. मैं ये नहीं कहती कि चले जाएं, लेकिन जब हस्बैंड बराबर, आई थिंक दोनों जगहों पर केस बराबर ही होता है. हम थोड़ा सा, मुझे कभी लगता है कभी हम औरतों को विक्टिमाइज कर देते हैं, कभी मर्द विक्टिमाइज हो जाते हैं. देखा जाए अगर, आई थिंक फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक दूसरे को थोड़ी सी फ्रीडम दें, इंडिपेंडेंस दें, स्पेस दें, थोड़ा सुन लें. जजमेंट देने के बदले कि तुमने जरूर ये बात इसलिए बोली थी बिकॉज ये मेरे खातिर है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट यू, लाइक आई सेड, इट कुड बी द अदर पर्सन आल्सो. मिसकंस्ट्रू करना, मिसपरसीव करना, गलत अज्यूम कर लेना, इन चीजों से रिलेशनशिप बहुत खराब. ये भी तो है ना, हम बता देते हैं, समझाते नहीं. Could be, yes, बताना समझाना, बट आप समझाओगे तभी ना जब अगला सुनने को तैयार हो. ये भी है, हम यूजली क्या करते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर होकर फ्लेयर अप कर लेते हैं. सो पता है अगला समझेगा ही नहीं तो रास्ता ही फर्क ले लेते हैं, बताकर निकल जाएंगे. लेकिन वही बात है कि आपकी रिलेशनशिप तभी अच्छी होगी अगर आप एक दूसरे को आई थिंक इंसान की तरह ट्रीट करोगे, रादर देन अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, ठीक है, और अ चाइल्ड. ट्रीट ईच अदर, मैं कहती हूँ, लाइक ह्यूमन बींग्स फर्स्ट, लाइक इंसान. Individuals का अपना अपना, लाइक इंडिविजुअल्स, आप मियाँ बीवी बिल्कुल हो, लेकिन अगले को भी इन थोड़ा इंसान समझ लो. नॉट बिकॉज कि वो आपका मियाँ है तो उसको लीवरेज है कि वो 9 से 6 काम करे, बिकॉज आपकी बीवी है तो वो किचन में भी पूरा दिन रहे तो आपको खिलाए भी और आपको गर्म रोटी भी दे, बट इंसान की तरह ट्रीट करो. कुछ वर्किंग फीमेल्स भी होती हैं जो बाहर से काम करके आती हैं फिर आके किचन में. आजकल बहुत, इनफैक्ट आई थिंक वर्किंग वुमेन बहुत ज्यादा हो गई हैं जो घर भी अच्छा संभाल रही हैं और बाहर भी संभाल रही हैं. सो कोऑपरेशन, यू नो, मिल बांट के काम करना हमेशा बेहतर हो जाता है. बल्कि आप बोलो ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है. हमारे तो रिलीजन भी बोलता है कि मर्द किचन में भी हेल्प करें, यू नो, मर्द ऐसे बीवियों के ये हकूक हैं, मर्दों के ये हकूक हैं. तो जब हमारे रिलीजन में है, हमारे प्रॉफिट हेल्प करते थे घर में, तो मर्दों का ये ईगो रखना कि हम बर्तन नहीं धोएंगे, नहीं पकाएंगे, या औरतों का ये ईगो रखना कि हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं कमाना, आई थिंक इसमें आपका सारा ईगो आ जाता है, आपका बहुत अना आ जाती है. अना को साइड पे अगर रख के काम करें बहुत चीजें हो जाती हैं. ईगो वैसे भी डिस्टर्ब कर देता है रिलेशनशिप में, खास तौर पे थोड़ा सा पीछे हो जाए और अगले को आगे आने दे तो यकीन जाने कि वो भी पीछे हटना शुरू कर देता है कि नहीं, बिहेवियर चेंज. मैं तो बल्कि क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अब अपने आप से पूछो कि आपने ये जो स्टेप लिया था या ये जो किया था ये जिद और ईगो में था? कहते हैं हाँ. अगर अभी हटा दो तो क्या होगा? कहते हैं कुछ नहीं. सही बात है. थोड़ा सा बींग अवेयर. अच्छा, अभी एक सवाल जो तमाम मेरी बहनें जितनी भी देख रही हैं उनका, उनके बच्चों को लेके है. स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस कभी हैं कभी नहीं, बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, कि सारी चीज़ें जिसे आपने कहा बंद हैं, वो चिड़चिड़े हो रहे हैं घर में, वो यही सवाल करते हैं हम करें क्या, सारा दिन गैजेट्स पे, उनकी आँखें खराब हो गई हैं, सारा कुछ ये हो गया, इसको हम क्या करें? इंटरनेशनल क्वेश्चन है आपसे. मैं इसी बोर्ड में खुद हूँ, बल्कि मैं भी पूछूँ कि मैं क्या करूँ. माशाल्लाह, आई हैव टू सन्स एज वेल एंड दोनों टीनेजर्स हैं और हमारे भी घर की वही कहानी है. ट्रस्ट मी, समटाइम्स हमें भी नहीं पता होता क्या करें, एंड समटाइम्स इसी को, जैसे मैंने कहा ना, स्पेस देके छोड़ दें. कभी छोड़ना भी पड़ता है, कभी आपको थोड़ा सा, आई थिंक हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, आपको अपना मेंटल स्टेट भी चेक करना है. अगर आप रेडली अवेलेबल हो, आपका, आप अच्छे मूड में हो, आप रेस्टेड हो, आपने खाया हुआ, आपको लग रहा है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, डू समथिंग पॉजिटिव. ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही बच्चे के सर पे रहना, कुछ करो कुछ करो, इट्स नॉट इजी, लेट देम बी. देखिए जब देखते हैं ना बच्चे सारा दिन गैजेट्स पर है, तो हम अंदर से पर पड़े होंगे, सारा दिन सोते रहेंगे और कनेक्ट भी तो कर रहे हैं ना फैमिली से, वो डिसकनेक्ट करें, लेकिन शायद दोस्तों से बाहर टेक इंटरेस्ट, उनसे पूछो आप क्या देख रहे हो, मे बी वॉच इट विद देम या शेयर इट विद देम, सो एटलीस्ट यूर एबल टू टॉक अबाउट इट. टाइम कर दें कि ठीक है आपका, लेट्स से 2 बजे हमारा लंच टाइम है घर पे, सबने 2 बजे टेबल पर पहुंचना है. सो एवरीबडी नोज कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपने 2 बजे पहुंचना है. 2 बजे बैठ के फिर आप डिस्कस करो, अच्छा आप क्या फ़ोन पे पूरा दिन क्या देखते हो, शायद बच्चे बताएं मैंने ये वीडियो देखी, मैंने ये देखा. इट्स नॉट लाइक कि यू नो गैजेट्स, टेक्नोलॉजी समथिंग बैड, बच्चों का अपडेटेड रहना भी बहुत ज़रूरी है.
हम ये भी नहीं कर सकते उनको बिल्कुल काट के रखे, वो हम बहुत पीछे भी रह जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज, बच्चे इतना अपडेटेड है, इतनी चीज़ों से हम बैकडेटेड है, हमें नहीं पता बच्चे कितने अपडेटेड है। सो आई थिंक अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। बच्चे में इंटरेस्ट लें, पूछे क्या देख रहे हो, कैन वी वॉच इट टुगेदर, हम साथ देख सकते हैं। अच्छा मुझे समझाओ क्या देख रहे हो, इसमें क्या होता है, ये कौन कैरेक्टर है, इंटरेस्ट पैदा करना होता है। थोड़ा सा बच्चा जो कर रहा है गैजेट के ऊपर भी इंटरेस्ट पैदा करे, बच्चे के लिए अपने काम में इंटरेस्ट पैदा बैठ के उनके साथ गेम्स वगैरह। एक चीज, एक सवाल मेरा, हमारा जो एज ग्रुप है, हमने बड़ा चीज़ों को दूर दूर से देखा, ख्वाहिशात को कम पूरा होते हुए देखा, अपनी फरमाइशें क्या होती हैं हमें कम पता था कि फरमाइशें करेंगे ये पूरा होगा। मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैं उनमें से हूँ, जिनकी फरमाइशें कम ज़्यादा पूरी होती थी। हमारे बच्चे जब हमसे फरमाइश करते तो हमें वो पुराना दौर आता कि हमने तो ये चीज़ें दूर दूर से देखी, ख्वाहिशात दिल में दबा के रखी, अब हम कर सकते तो इनको तो हम दिला दें, इनको तो हम ये कर दें। तो बाज़ूकात उन चीज़ों ने बच्चों का दिमाग खराब किया होता है कि हर चीज़ मुझे आसानी से मिल रही है, थोड़ी सी जिद करता हूँ करती हूँ, उसके बाद भी सेटिस्फाई तो बच्चे खराब होते। डिपेंड करता है, यू सी जैसे आपने बोला कि मुझे अपना बचपन याद आता है, सो यही चीज़ मैं जो बता रही थी पहले साइकोथेरेपी की, कि आपका बचपन कहीं ना कहीं आपके एक्शंस में आएगा सामने। सो आपने ये देखना आपको बॉदर क्या चीज़ ज़्यादा कर रही है, आपका क्या आपको नहीं मिला था या आप ज़्यादा दे रहे हो। शायद आज के दौर से जो आप दे रहे हो वो ठीक दे रहे हो, शायद आज के दौर से ज़्यादा डिप्राइव करना भी बच्चों के लिए सेहत, उनके सेहत के लिए, उनकी नफसियात के लिए ठीक ना हो। सो वो बैलेंस कहाँ ड्रॉ करना है वो एज पेरेंट्स आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन फॉर यू, बट लेट द चाइल्ड नो, टॉक टू देम। मैं कहती हूँ आधा काम आपका आसान हो जाएगा अगर आप बच्चे की सुनो, बच्चे से बात करो और उन पर अपना साइंस ना झाड़ो, आप उनकी भी सुन लो। किड्स आर वेरी स्मार्ट, बच्चे आजकल बहुत होशियार हैं, वो जो गैजेट पे ऐसे ही नहीं बैठे, वो सीख रहे हैं, उनको पता है कि दुनिया में और कहाँ क्या हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है हमारे साथ। सो किड्स आर वेरी स्मार्ट, इसलिए मैं कह रही हूँ आप पूछो कि बच्चे क्या देख रहे हैं, सो यू आर ऑल्सो अपडेटेड विद देम। When you talk to them, जब आप उनसे पूछोगे कि मैंने आपको ये चीज़ दिलाई, हमारे टाइम पे नहीं था, एंड यू आर लकी। अब आपने ये भी देखना है कि आप अपनी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो अपने बच्चे को देकर जो आपको नहीं मिला, या आप उसी को सेटिस्फाई कर रहे हो, एंड लेटिंग देम नो, यू नो, एक बैलेंस, ओवर ग्रेटिफाई नहीं करना, अंडर ग्रेटिफाई नहीं देना। इतना भी ना आप खिला खिला के मार दो, और इतना भी नहीं कि आप रोक रोक के मार दो। सो दैट इन बिटवीन लाइन आई थिंक इज़ वेरी इंडिविजुअल। आई कांट से कि इतना देना चाहिए इतना, हर घर का अपना है, एंड यही चीज़ होती है बिहेवियर और पर्सनालिटी की। बहुत मजबूरी है वरना दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा, क्योंकि हमारे पास इतने सवालात और इतने उनके लिए, और आप इतना अच्छा बोलती हैं कि रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच। लेकिन आखिर में क्या मैसेज होगा हमारे देखने वालों के? आई थिंक यही कि एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें, जो मैंने पहले कही थी, एक दूसरे को इंसान की तरह ट्रीट करें, समझ लें कि जो आपके साथ भी हो रहा है, ठीक है शायद बुरा हो रहा हो लेकिन शायद कोई जान के ना कर रहा हो, अनजाने में कर रहा हो। बी मोर अवेयर, और कोई चीज़ समझना है तो थोड़ा पढ़ लें उसके बारे में, अपने आप को एजुकेट करें। इतना भी ना कर दें कि हर चीज़ के कैंसर ही निकल आए, गॉड फॉरबिड, ये भी कभी होता है, हम ओवरलुक कर लेते हैं इतना कुछ। जस्ट अंडरस्टैंड, नहीं कोई चीज़ समझ आती, सीक अ प्रोफेशनल, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, खुद से समझ नहीं आ रहा, शेयर इट विद समबडी हु नोज बेटर और उनसे बात करें। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, और ईगो साइड पे रखें, शोर भी इंसान ही होता है। बिल्कुल, कभी कभार है। ये जवाब बहुत अच्छा है, कभी कभार। नहीं नहीं, हम शोर बीवी बच्चे से पहले इंसान ही हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे बात करके। थैंक यू मताबा, इजाजत मिली आपको, आसान के इंफॉर्मेटिव सेशन रहे हो, तमाम घणो इंफॉर्मेटिव, तमाम घणो, बिल्कुल बड़ी मेहरबानी मताबा ताहा जी, थैंक यू वेरी मच। अदी नसीम अन्या बाह भड़के पई दम दम ते आज 30 मिनट्स का बकला के थिया न ते टाई ते 30 मिनट दे थोड़ो मा पान लेट थई तमास सही है ठीक है आई सभी मेहरबानी जी दोस्तों इंशाल्लाह तआला सुभाणे परी मोकल आहे मंडे ते वरी मिलंदासीं सेम टाइम अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।